इन्होंने जो वर्क इनके द्वारा किया गया है वह वर्क जो है अच्छा नहीं है, सही नहीं है, इनके फ्यूचर के लिए गलत है, चाहे समाज के लिए अहितकारी है। तो ये सारी चीजें इनको बताने की कोशिश की जाती है। इसके लिए बाल अपराध और विद्यालय के लिए बच्चों को वहां पे हर एक फैसिलिटी, स्कूल की फैसिलिटी होगी, बच्चों अगर छोटे हैं तो खेलने की फैसिलिटी होगी, उनके व्यवसाय से रिलेटेड चीजें उनको सिखाने की कोशिश की जाएगी। हम लोग के स्कूल में ही पुस्तकालय होंगी, मनोरंजन के साधन होंगे, खेल कूद की व्यवस्था की जाएगी बच्चों को, ताकि बच्चे जो है किसी प्रकार से वहां पे अपने अपराध, मतलब अपराध जो उन्होंने किया है ना, उस अपराध को उनके माइंड से पूरी तरह से निकालना है, और उनको इस बात का एहसास दिलाना है कि उन्होंने जो वह कार्य किया है वह कार्य गलत है, और दोबारा वो कार्य की तरफ वो ना बढ़े। ठीक है, तो इस प्रकार से बाल अपराध और विद्यालय में बालकों को शिक्षा दी जाती है। एक तरीके से वहां पे वो सुधार गृह है, जहाँ पे बच्चों को सुधारा जाता है जो इस तरीके के कार्य कर चुके हैं, या इस तरीके के कार्य से अपराध के मार्ग पे घुस चुके हैं, ऐसे बच्चों को वहां पे सुधारने का कार्य किया जाता है। ठीक है, आपकी भाभी जुड़ गई। अगला है वंचित बालक और अलाभावित बालक। देखिए, वंचित बालक, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। वंचित बालक और अलाभावित बालक किसे कहते हैं? हमारे समाज में बहुत से ऐसे बालक हैं जिनको जो है उनमें टैलेंट है, ठीक है, उनमें हुनर है, उनमें हर चीज है, काबिलियत है, लेकिन इसके बावजूद भी वे आर्थिक रूप से इतने तंग हैं, इतने मंदी में हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की, जो उनके बेसिक नीड्स है, उस आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वह बालक क्या कहलाते हैं? वंचित बालक कहलाते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको 2 वक्त या 3 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता है, तो वो स्कूल कहाँ से जाएंगे? एजुकेशन के लिए उनको जो प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, या फिर जो उनकी आवश्यकता की चीजें है वो आवश्यकता की चीजें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहते हैं? वंचित बालक कहते हैं, या फिर लाभान्वित बालक कहते हैं, यानी कि जो लाभ उनको समाज से मिलना चाहिए था, या फिर उनके भविष्य के लिए जो कुछ भी उनको मतलब प्राप्त होनी चाहिए थी, वह चीजें उनको समय प्राप्त नहीं होती है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग का समाज में एक ऐसा भी वर्ग होता है जो क्या है, अभावग्रस्त है। ठीक है, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दिया है। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, यानी कि वो फ्रीली वहां पे एजुकेशन ले सकते हैं, और इसके बाद भी जो बच्चे टैलेंटेड है, जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक है, गवर्नमेंट उसको क्या करती है, गवर्नमेंट उसको क्या स्कॉलर्स देती है, ताकि वो अपने आगे का एजुकेशन भी, अगर आगे लेना चाहें तो वो आगे का एजुकेशन भी स्कॉलर के थ्रू ले सकते हैं। ठीक है, तो अभाव, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अभाव में जीते हैं, उन्हें जो सुविधाएं या साधन मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं और साधन उनको मिल नहीं पाती है, जिस कारण से इस बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, वंचित और लाभान्वित बालक कहेंगे। ठीक है, तो जिनकी पहचान ऐसे बालक के रूप में की जाती है जो समाज में मुख्य धारा से कटकर बिल्कुल हासिल पायदान पर खड़े रहते हैं। मतलब ऐसे बालक ना, हमारा समाज जो है, समाज क्या है, समाज में हम लोग रहते हैं, बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, स्कूल में भेजा जाता है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कोई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन ये बच्चे जो है अगर देखा जाए तो समाज से कटे रहते हैं। ठीक है, हर बच्चे का एजुकेशन का राइट है, लेकिन ये बच्चे अपने आर्थिक तंगी की वजह से, मंदी की वजह से इतने ज्यादा परेशान रहते हैं कि स्कूल नहीं जा पाते हैं। छोटी उम्र में ही इन बच्चों को कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा कोई ना कोई काम में क्या किया जाता है, बिजी कर दिया जाता है कि 2 पैसा आएगा तो घर का खर्च चलेगा। ठीक है, तो उस वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। देखेंगे बहुत से, अभी तो गवर्नमेंट के थ्रू ये भी रूल हो गया है कि वहां पे छोटे बालकों को, बच्चों को काम, 18 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं काम कर रहे हैं अगर कहीं, तो गवर्नमेंट उस दुकान वाले पे, चाहे उस होटल वाले पे भी क्या करती है, फाइन लगा देती है। तो बाल अपराध, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चाइल्ड लेबर। ठीक है, छोटे बच्चों को काम कराने की मनाही है गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी फैमिली है जिनका फैमिली सर्वाइव नहीं हो रहा है, घर में बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को भी वो लोग काम करने के लिए भेज देते हैं। तो जब वो छोटे बच्चे काम करने के लिए जाएंगे तो वो बच्चे पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये सारे बच्चे हम लोग के वंचित बच्चों के ग्रुप में आ जाएंगे, और ये समाज से बिल्कुल भी क्या है, कटे हैं। जो जिसी समाज में रहकर, जहाँ अन्य बालों इंसान के बच्चे जो है वो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, वही वो बच्चे जो है वह इस
एजुकेशन के बदले क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या दूसरे किसी काम में वो बिजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, इन बालकों में अभी वंचित बालकों के रूप में चिन्हित किया जाता है। यानी कि एनसीएफ 2005 मुख्य धारा से जोड़ने की वकालत करता है। हमारा एनसीएफ 2005 जो है ना, यह भी इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की वकालत करता है। ठीक है, कि ऐसे बच्चों को भी क्या किया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसीलिए गवर्नमेंट के थ्रू इतने सारे स्कीम्स निकाले गए। देखिए, वंचित बालकों की पहचान तथा विशेषता। हम लोग जब जाते हैं मार्केट जाते हैं, कभी सेक्टर 4 गई है, देखिए छोटे 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 बच्चे खाते रहेंगे तो आके मांगते हैं चाहे, वो सब क्या है, वंचित बालक है। ठीक है, हाँ, उनका बिहेवियर थोड़ा रूड होता है, बिकॉज ऑफ दैट उनको वैसा एनवायरमेंट मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इतने रूड बिहेव हो जाते हैं। लेकिन वो सब क्या है, आर्थिक रूप से तंग बच्चे हैं, उनके पास प्रॉपर खाने के लिए पहनने के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से वो इस तरह की परिस्थितियों में जीते हैं। ठीक है, तो देखिए, ऐसे बालकों की पहचान अगर करनी है तो कैसे करेंगे, तो ऐसे बालक सामान्य बालकों की तुलना में हीन भावना रखते हैं, अपने आप को कभी भी आपके लेवल का नहीं समझेंगे। वो अक्सर अपने आप में, उनके मन में ये रहेगा कि हम उससे छोटे हैं, हम उससे हीन हैं, हमारे पास उस जैसा नॉलेज नहीं है। ठीक है, ऐसे बालक अदूरदर्शी होते हैं। अदूरदर्शी का मतलब होता है जो दूर का सोच सके, वो दूरदर्शी कहलाया। और जो जो है मतलब अपने आगे आने वाले भविष्य के विषय में, चाहे किसी परिस्थिति को किस तरीके से हमको समझना है या उस परिस्थिति से किस तरीके से हमको निकलना है, उन सब का समस्या का समाधान करने में ये सब बच्चे जो होते हैं असमर्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे बालक अमूर्त चिंतन की क्षमता कम पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या देखे थे पैसे जी की थ्योरी में, सस्वावस्था हो गया, पूर्व बाल्यावस्था हो गया, उत्तर बाल्यावस्था हो गया, यहाँ तक बच्चे जो है मूर्त चिंतन करते हैं, लेकिन इसके बाद बच्चों में अमूर्त चिंतन आ जाता है किशोरावस्था में। लेकिन इन बालकों में अमूर्त चिंतन की क्षमता भी बहुत कम होती है, क्योंकि स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, कोई बेसिक नॉलेज ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, मानते हैं कि पर्यावरण से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन स्कूल का भी तो उसमें अपना एक रोल होता है ना, वह भी तो हमें बहुत कुछ नॉलेज देता है, बहुत कुछ बताता है। टेक्निक नॉलेज हमें बहुत सारे स्कूल के माध्यम से ही मिलते हैं, तो वो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिसकी वजह से अमूर्त रूप से चिंतन करने की क्षमता उनकी क्या होती है, नहीं पाई जाती है या फिर कम होती है। ठीक है, ऐसे बालकों में शिक्षा तथा धन का भी अभाव होता है, धन ही नहीं है। मान लीजिए झोपड़ी में रहने वाला ही बालक है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, लेकिन उसके फादर के पास कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको स्कूल में भेज सके, या फिर स्कूल में भेजे भी जा रहे हैं तो वहां पे उसको जो उसके रिक्वायरमेंट्स है, उसको बुक्स चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, वो सारी चीजें उसको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो वो बच्चा क्या होगा, वंचित बालक कहलाएगा। अगला बोल रहा है कि ऐसे बालक सुविधा के अभाव में अपनी योग्यताओं के प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। उनके पास योग्यता है, अब कोई बच्चा है मान लीजिए बहुत गरीब बच्चा है, लेकिन उसको ड्रॉइंग बहुत अच्छा है, गॉड गिफ्टेड है, उसको ड्रॉइंग करने बहुत अच्छा आता है, लेकिन क्या है, आर्थिक तंगी की वजह से, सुविधा के अभाव में वह बच्चा अपने टैलेंट का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा और बहुत से विकास की प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। ठीक है, उसको वो सारे चीजें मिलेगी, उसकी आवश्यकताओं की चीजें उसको प्राप्त होगी, तो वो अपना टैलेंट दूसरे को दिखाएगा। ठीक है, उसको उसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हम और बहुत सारे ऐसे प्रावधान है, जो प्रावधान को अपनाएंगे तो बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है। हमारे फैमिली में क्या है, बच्चे में कोई टैलेंट है तो उसको कोचिंग क्लास भेज देते हैं, उसको उस चीज की प्रैक्टिस कराते हैं, वो उसी चीज में सीखते सीखते आगे की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वहां पे उनको वैसा माहौल ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार बच्चे जो है वंचित, अपनी गुणों को दूसरों के सामने प्रदर्शित करने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, वंचित बालकों के लिए ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए हम आप लोग को ये फटाफट बता रहे हैं। हम लोग का मेन इसमें जो टॉपिक है, अधिगम अक्षमता वाले बालक, उसको पढ़ना है, इसीलिए हम आप लोगों को ये जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। वंचित बालकों के लिए शिक्षा एवं समायोजन तथा सरकार द्वारा किए गए कार्य। बहुत सारे सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए कार्य किए हैं, जैसे कि बोल रहा है कि बालकों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, ऐसे द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम जो है ऐसे बालकों के लिए बहुत सारे स्कीम्स बनाए गए, जिससे ऐसे बालक जो कि एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जो शिक्षा से दूर रह जाते हैं, ऐसे बालकों को भी शिक्षा मिले। जैसे कि छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कॉलर, ऐसे बच्चों को स्कॉलर्स दिया जाता है कि वो उनको कुछ अमाउंट दिया जाए, छात्रवृत्ति शिक्षा दी जाए, जिससे वो बच्चे एजुकेशन ले सके। पुस्तक बैंक योजना, ठीक है, यहाँ पे बच्चे जो है बुक्स जो है फ्रीली ले सकते हैं। इसके अनुकूल व्यवसायिक प्रशिक्षण,
इसके बाद बच्चों को उनके व्यवसाय से संबंधित शिक्षा भी उनको दी जाती है, ताकि भविष्य में जो बच्चे जो है अपना कुछ व्यवसाय कर सके। हाई स्कूल उपरांत छात्रवृत्ति तथा ऋण योजना, हाई स्कूल होने के बाद बच्चे को छात्रवृत्ति के लिए ठीक है ऋण की योजना बनाई गई है कि बच्चा जो है एजुकेशन लोन ले सकता है, एजुकेशन लोन लेकर अपने हायर स्टडी को कंप्लीट कर सकता है, और उसके उपरांत अगर उसको कोई जॉब मिल रहा है तो उस जॉब के थ्रू वो अपने उसको ऋण को पूरा कर सकता है। छात्रावास निर्माण का वे भी व्यवस्था किया गया है कि बहुत से ऐसे बच्चे जिनका अपना घर ही नहीं है, तो उनको एजुकेशन भी दिया जा रहा है पर छात्रावास निवास निर्माण भी किया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों में छात्रावास की सुविधा, इसके बाद अगर गांव गांव में देखिएगा आवासीय विद्यालय ठीक है खोला गया है, छात्रावास की सुविधा की गई है, मतलब जहाँ जो बहुत ज्यादा रूरल एरिया है उस रूरल एरिया के बच्चे बहुत ज्यादा दूर जाके तो एजुकेशन ले नहीं सकते हैं, तो उनके पास उसी गांव में जो है उनके लिए छात्रावास स्कूल की व्यवस्था की गई है, वहां पे बच्चे रह सकते हैं, खा सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। इस प्रकार का योजना जो है स्कीम जो है गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है। इसके बाद हम लोग का एकलव्य आदर्श विद्यालय की भी स्थापना गवर्नमेंट के थ्रू की गई है कि वहां पे भी बच्चों को, ये भी हम लोग का गवर्नमेंट का ही स्कूल होता है एकलव्य आदर्श विद्यालय, जहाँ पे ऐसे वंचित बच्चों को एजुकेशन दिया जाए ठीक है। अब है हम लोग का मैम समस्यात्मक बाल। हाँ बोलिए एक सवाल है मैम, बोलिए। हम वंचित बालक सिर्फ शिक्षा के अभाव में बोलेंगे या सभी चीज में मैम? अगर वंचित बालक हम दो शब्द में बोले मैम तो कैसे बोलेंगे? वंचित बालक को अगर आप देख लीजिए तो वंचित बालक हर चीज से ना वंचित है। अगर वह वंचित बालक आर्थिक रूप से तंग है ठीक है, तो वो तो हर चीज से ना तंग ही उसको है, आर्थिक रूप से तंग है यानी कि वो एजुकेशन भी नहीं ले सकता है। आर्थिक रूप से वह बालक अगर तंग है तो उसको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रहा है ठीक है, जो उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट मिलना चाहिए उसको बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा। आर्थिक रूप से तंग है तो उसको घर में रहने या कपड़े की भी प्रॉब्लम है ठीक है। आर्थिक रूप से तंग है तो मान लीजिए उसके अंदर कुछ हुनर है, कुछ टैलेंट है, तो वो अपने टैलेंट का प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहा है, तो आर्थिक रूप ही तो मेन प्रॉब्लम हो गया ना। आर्थिक रूप से वो तंग है जिसकी वजह से वो हर एक क्षेत्र में क्या है वो बच्चा वंचित है, हर एक क्षेत्र से वो वंचित है ठीक है। जी मैम, देखिए समस्यात्मक बालक, समस्यात्मक बालक का मतलब होता है कि ऐसे बालक जो समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने शिक्षक जन के लिए ठीक है क्या होते हैं समस्या उत्पन्न कर देते हैं, उसको हम लोग समस्यात्मक बालक ठीक है। तो अगर हम लोग देखें ऐसे बालक जो शिक्षक प्रधानाचार्य माता पिता जी किसी के लिए भी वो क्या करेंगे प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे, ऐसे बालक को हम लोग क्या कहेंगे इमोशनली, ये बालक जो होते हैं ना अपने इमोशन पर अपने संवेग पर जब इनको गुस्सा आता है चाहे कुछ होता है तो ये अपने संवेग पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऊट पटांग शब्दों का आप लोग एक चीज बताए थे ना, जैसे कि हमारे ही पड़ोस में एक लेडी लड़की थी, मतलब जब उसको गुस्सा आता था ना तो वो अपने माँ पापा भाई बहन हर किसी को गाली देती और गाली इतना गंदा देती थी कि कान से खून निकल जाए, इतना गंदा वो गाली देती थी। और जब वो शांत हो जाएगी तो एकदम नॉर्मल रहेगी, लेकिन जब वो गुस्से में आएगी तो आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी। उसको कुछ ऐसे बालक जो होते हैं क्या कहलाते हैं हम लोग के समस्यात्मक बालक कहलाते हैं ठीक है। तो समस्या उत्पन्न करने वाले बालक को हम लोग क्या कहेंगे समस्यात्मक बालक कहेंगे। समस्यात्मक बालक जन्मजात नहीं होते हैं ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लिया और जन्म जन्म लेने के उपरांत जो है सबके लिए समस्या उत्पन्न करने लगा, ये परिस्थितियों की उपज होती है, उनको जैसा माहौल मिलता है जैसी परिस्थितियां मिलती है उसके अनुसार ऐसे बालक है कार्य करते हैं ठीक है। तो उनका व्यवहार क्या होता है असाधारण होता है, जब उनको गुस्सा आएगा कुछ भी होगा तो वो अपने इमोशंस पर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ठीक है। प्याजे जी का हम लोग स्वनियमन का थ्योरी पढ़े थे, स्वयं से बातें करना, ये स्वनियमन का थ्योरी प्याजे जी बोल रहे हैं, वाइगोत्स्की जी का, प्याजे जी का था कि वाइगोत्स्की जी का था, किसका था, क्या मैम फिर से बोलिए। स्वनियमन, स्वनियमन की थ्योरी जो थी वो प्याजे जी की थी या वाइगोत्स्की जी की थी। याद नहीं आ रहा मैम। जी स्वयं से बातें करना, स्वयं से हम जी बातें कर, मैम वाइगोत्स्की जी का मैम, स्वयं वाइगोत्स्की से जी का, हम बातें कर रहे हैं तो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जी मैम तो भाषा का वाइगोत्स्की जी का। जिक्र प्याजे जी ने तो किया ही नहीं है, इसको याद रखिए आप लोग।
आगे का पढ़ते पढ़ते पीछे का भूलिए नहीं। अभी हम सारा पीडीएफ बनवा दिए हैं, वो शायद भेज देंगे सर आप लोगों को। एक बार आप लोग फिर से उसको खोलने की कोशिश कीजिए, और नहीं खुलता है तो सर को फोन करके बोलिए, क्योंकि वो पीछे वाला रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो फिर से बोलिए मैम, स्वर में क्या बोले? क्या स्वर में निजी संभाषण स्व नियमन, ठीक है, उसको स्व नियमन कहते हैं, यानी कि स्वयं को कंट्रोल करना, स्वयं को नियंत्रित करना, ये वैगोस्की जी का कहना, ठीक है। बच्चे जब स्वयं से बातें करते हैं, ठीक है, अपने आप को किसी परिस्थिति में कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं भाषा के माध्यम से, वो पाई हम लोग का वैगोस्की जी का कहना, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम मैम, लोग, ये जो बोले आप, समय सत्मक बालक जन्मजात नहीं हो, तो उसके बाद क्या बोले मैम? ये बालक अभी हम ये बता ही रहे हैं, ये जो बालक होते हैं ना, जो समस्यात्मक बालक होते हैं, ये जन्मजात नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि माँ के पेट से ही समस्या लेकर आ रहे हैं और आप सबके सामने समस्या क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है, उनका जो एटमोस्फेयर होता है, जिस परिस्थिति में वो पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उस परिस्थिति पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ उनका उन इमोशंस पे भी डिपेंड करता है। कोई कोई बालक जो होते हैं, आप देखिएगा, हम आप लोगों को इमोशनल वाला चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, वो हम पढ़ा देंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। इमोशंस जो होता है ना, बालकों का इमोशंस, डिफरेंट डिफरेंट व्यक्तियों का इमोशन अलग अलग तरह का होता है। कोई बालक जो होता है, इमोशन उसका संवेग जब उस पर हावी हो जाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। कोई बालक जो है, जब उसका संवेग उस पर हावी होता है तो भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। कोई बालक जो है, बहुत मतलब भारी से भारी विपदा आ जाती है तो भी उसके आंख से आंसू नहीं निकलते हैं, और कोई बालक जो है थोड़ी सी परिस्थिति में ही क्या करता है, रो देता है, ठीक है। तो हर बालक का संवेग जो होता है अलग अलग होता है। ये संवेग वाला चैप्टर हम आप लोग को पढ़ाएंगे, हम आप लोग को ये चीज पढ़ाए नहीं है। तो संवेग भी क्या करता है, बालक के समस्यात्मक होने पर उसका बहुत बड़ा कारण बनता है, ठीक है। क्योंकि तो कुछ कुछ जो होते हैं ना, संवेगात्मक रूप से जो है इतने उपद्रव बालक होते हैं कि इसका रीजन यही है कि उनका संवेग उनके कंट्रोल में नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो इस प्रकार की हरकतें करते हैं और दूसरों के लिए परेशानियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि ऐसे बालक जन्मजात तो होते नहीं है, परिस्थितियां इनका कारण बनती है, और जिसके कारण इनका व्यवहार जो है असाधारण हो जाता है, दूसरों के लिए क्या होता है, असामाजिक हो जाता है। तो समस्यात्मक बालक विद्यालय में, परिवार में, समाज में सामंजस्य स्थापित करने में भी कठिनाई करते हैं, ठीक है। ऐसे बालक आपको अदर किसी जगह पे एडजस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये हर किसी के लिए समस्या उत्पन्न करेंगे, इसीलिए ये बालक जो है एडजस्टमेंट करने में इनको कठिनाई होती है। अब देखिए समस्यात्मक बालक की विशेषता और पहचान क्या होती है। तो ऐसे बालक समस्याएं जन्म जात ना होकर अर्जित होती, ठीक है। जन्म जात ना होकर अर्जित होने का मतलब क्या है, हम लोग जब कुछ भी अपने एनवायरमेंटल से कुछ भी लेते हैं ना, ग्रहण करते हैं ना, उसको अर्जित संपत्ति कहते हैं। और जब अपने माता पिता से हेरिडिटी के रूप में हम लोग जब उसको ग्रहण करते हैं, उसको हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो यह जो होती है अर्जित संपत्ति होती है, ठीक है। अब हम अपने पापा अपने माता पिता से हूबहू उन्हीं की जैसे आंख, उन्हीं की जैसे बोलने का तरीका, उन्हीं के जैसा रूप रंग लेकर आए हैं, तो ये हमारी पैतृक संपत्ति है। लेकिन इन्वायरमेंटल से जो कुछ भी हमने अडेप्ट किया, इन्वायरमेंटल से जो कुछ भी हमने सीखा, वो हमारी क्या है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अर्जित संपत्ति कहेंगे। तो समस्यात्मक बालकों का विद्यालय में अपने सहपाठी और शिक्षकों के साथ स्वस्थ अंतर व्यक्तिक संबंध नहीं होता है, हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को कल ही ना बता रहे थे, एक बच्चा आके हमको तोतले में आके बोलता है कि मैम आपसे एक क्वेश्चन है। उस बच्चे को जब हम स्टार्टिंग दे गए थे ना, तब बच्चे साथ में बैठे बैठे हुआ, बच्चा लास्ट बेंच पे अकेले बैठा हुआ था। क्यों, हम पूछे कि आप लोग इनको साथ में क्यों नहीं बैठा के रख रहे हो, तो मैम ये बहुत गंदा गंदा गाली देता है, ठीक है, ये हम लोगों को मारता है। तो वह बच्चा क्या हो गया, अपने क्लास के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वह क्या कर रहा है, एक हेल्दी रिलेशन नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसको अपने ग्रुप से क्या कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। तो वो समाज के साथ, अपने कक्षा के साथ, अपने अपने हम उम्र दोस्तों के साथ सामंजस्य नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, अलग बैठ रहा है। तो ये हम लोग का समस्यात्मक बालक के ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे बालकों की व्यक्तिगत और सामाजिक समस्या अधिक होती है। मतलब जो समस्यात्मक बालक होते हैं ना, उनकी उनको दूसरों से समस्याएं कम होती है, उनको खुद की अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
खुद से उनको बहुत ज्यादा समस्याएं होती है, जिसकी वजह से वो दूसरों के साथ भी चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, झगड़ालू स्वभाव के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो समाज के साथ भी इंटरेक्ट करने में परेशानी करती है। जैसे हम लोग आप लोगों को क्या बताया था, किशोरावस्था के बालक, किशोरावस्था के बालकों में जब वो बच्चे जो है 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष की उम्र में रहते हैं, तो उनमें इतने सारे शारीरिक मतलब बदलाव आते हैं, चेंजेज आते हैं, कि वो अपने आप को समझने में ना उनका जो है पूरा जो है किशोरावस्था निकल जाता है। वो बहुत ज्यादा समस्या से गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ सामंजस्य नहीं बना पाते हैं, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, झगड़ने लगते हैं, किसी बात को डिनाई कर देंगे, माता पिता की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसी तरह उस जो समस्यात्मक बालक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर उनके खुद की अंदर की इतनी सारी सारी समस्याएं हैं, और अगर बाहर वाला कुछ उनको इंटरफेयर करेगा या किसी मामले में रोकेगा टोकेगा, तो वो उसके साथ क्या करेगा, मिसबिहेव करेगा, गलत शब्दों का प्रयोग करेगा, उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिनाई कर देगा। इस वजह से वो क्या होता है, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम लोगों को अगर समस्यात्मक बालक से धुतकारना नहीं चाहिए कभी, ठीक है, उनकी समस्या को समझनी चाहिए, प्यार से स्नेह से बात करनी चाहिए। तो ऐसे समस्यात्मक बालक भी जो है सही मार्ग पर आ सकते हैं। तो समस्यात्मक बालक के व्यवहार में असामाजिकता की अधिकता होती है, सामाजिक नहीं होते हैं, किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा इनका, अच्छे से बात नहीं करेंगे, किसी की हेल्प नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, हेल्प लेने के लिए ले लेंगे, लेकिन हेल्प खुद नहीं करना चाहेंगे, दूसरे के चीजों को चुरा लेंगे या फिर उसके साथ मिसबिहेव करेंगे। तो इस तरह के व्यवहार हम लोग समस्यात्मक बालक में देखते हैं। अच्छा, अब देखिए समस्यात्मक बालक के प्रकार भी दिया है कि समस्यात्मक बालक होते कितने प्रकार के, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई आया है क्या, कौन है, किससे, बोल दीजिए कि सर नहीं है, बोल दीजिए क्या, माफ कर। देखिए इनकी पहचान क्या है, चोरी करने वाले होंगे, ऐसे बालक चोरी चोरी कर सकते हैं, विद्यालय में के नियम तोड़ने वाले, ऐसे बालकों को ना आप स्कूल के स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस बना लीजिए, इनको कोई डर नहीं है, ठीक है, आपको इतने टाइम तक आना है, नहीं तो फाइन लग जाएगा, बोले फाइन लगेगा लगेगा कोई बात नहीं, उनको डर ही नहीं रहता है, वो लेट से फिर भी वो लेट से आएंगे, ठीक है। तो विद्यालय के नियमों को तोड़ेंगे, अनैतिक आचरण करने वाले होंगे, कभी किसी के साथ नैतिक व्यवहार नहीं करेंगे, बिहेव करेंगे, गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। कक्षा में देर से आने वाले बच्चे, प्राय कक्षा में देर से आएंगे, कभी इनको टाइम टेबल का कोई टेंशन नहीं रहेगा कि इतने टाइम पे स्कूल जाना है, क्लास स्टार्ट हो जाएगा, उस सबसे कोई मतलब नहीं है, वो प्राय कक्षा में क्या करेंगे, लेट से ही आएंगे। अनुपस्थित रहने वाले बच्चे, रेगुलर स्कूल कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2 दिन आएंगे, 4 दिन गायब रहेंगे, फिर 5 दिन आएंगे, 10 दिन गायब रहेंगे, इस तरीके से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे होते हैं। हर समय भयभीत और आशंकित रहने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जो है हर समय डरे हुए रहते हैं और आशंका में रहते हैं, ठीक है, कि कहीं वो मेरा सामान कोई चुरा ना ले, ठीक है, या फिर कहीं वो मेरा कोई कंप्लेन ना कर दे, तो इस तरीके के बच्चे भयभीत और आशंकित भी रहते हैं। विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, आप देखिएगा जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, चाहे जो होते हैं, आप उनको लेट से अगर उनके घर में माता पिता के द्वारा थोड़ी लेट हो जाए, तो वो बच्चे गुस्सा जाते हैं, रोने लगते हैं कि लेट हो गया, मैम डांटेंगी, प्रिंसिपल सर अंदर घुसने नहीं देंगे, या फिर कभी भी वैसे बच्चे जो है स्कूल बंक नहीं करना चाहेंगे, एक दिन भी स्कूल छोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये सारे बच्चे जो होते हैं ये क्या प्राय क्या करेंगे, स्कूल बंक कर देंगे। झूठ बोलने वाले बच्चे, झूठ भी बोलते हैं, तो ये सारे बच्चे जो है हम लोग के समस्यात्मक बालक होते हैं। तो समस्यात्मक बालकों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए और समाज के साथ समायोजित कैसे करनी चाहिए, तो विद्यालय की परिस्थिति में सुधार, ठीक है, मान लीजिए कि वह बच्चा जो है विद्यालय में जो है विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो हम थोड़ा उसके अनुसार क्या करेंगे, अपने विद्यालय की परिस्थिति में चेंज लाएंगे, ठीक है, उसकी परिस्थितियों को समझेंगे, उसके समस्याओं को समझेंगे, इसके बाद विद्यालय की परिस्थिति में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, उससे पर्सनली बात करेंगे, उसकी क्या समस्या है, बहुत ही प्यार से स्नेह से, ठीक है, गुस्से से या डांट फटकार कर नहीं, बहुत ही प्यार से और स्नेह से उससे हम लोग पर्सनली बात करेंगे, उसकी समस्या को जानेंगे कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, ठीक
है, तुम क्यों स्कूल नहीं आते हो। आप जब उसे स्नेह से बात कीजिएगा ना, देखिएगा वो भी आपसे पोलाइटली बात करेगा, ठीक है। तो पारिवारिक वातावरण में भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि प्राय परिवार में कलह की वजह से या फिर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी की वजह से भी इस तरीके के बच्चे ऐसे हो जाते हैं। सामाजिक वातावरण में भी सुधार होना चाहिए। अब ये बच्चे तो ऐसे ही समस्यात्मक बच्चे हैं, ठीक है, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो समाज भी क्या करता है, इनको धुतकारता है, इनको गलत शब्द बोलता है, तो जिससे क्या होता है, इनके जो मन का जो गुस्सा है या चिढ़ है वह बढ़ता ही जाता है। तो समाज को भी इस तरीके से के साथ उनके साथ पलट व्यवहार नहीं करना चाहिए। सही व्यवहार करेंगे तो वह भी धीरे धीरे सही मार्ग पर आ जाएगा। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, ठीक है, अभिभावकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज या दूसरे कोई कुछ नहीं कर सकते। वो तो अगर उनके पास आर्थिक तंगी है या कुछ है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो ये था हम लोग का समस्यात्मक बालक, यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे संवेगात्मक रूप से असाधारण बालक, जो संवेग से, क्योंकि अभी आप लोग को बता देते हैं, जिनका संवेग जो होता है वह उनके कंट्रोल में नहीं होता है, संवेग उन पर हावी हो जाता है। आप ऐसे मत बैठिए, सही से बैठिए वरना आप सो जाएंगे, ठीक है। संवेगात्मक रूप से असाधारण बालक यानी कि जिनका संवेग जो है उनके कंट्रोल में नहीं होता है। तो संवेगात्मक रूप से असाधारण बालक हम लोग ऐसे बालक को कहेंगे जो भावनाएं एवं संवेगों पर नियंत्रण करने में असमर्थ हो। गुस्सा आए तो गुस्से पर कंट्रोल नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए दुख दुख के इमोशंस में है तो उस पर भी कंट्रोल नहीं, चाहे सुखद हो चाहे दुखद हो, चाहे गुस्से वाला है चाहे घृणा वाली है, चाहे क्रोध वाला है चाहे किसी से ईर्ष्या वाला है, जो भी संवेग है वो संवेग अगर उन पे हावी हो जाएगा ना तो वो उस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसी से ऐसे बालक ऐसे होते हैं ना कि किसी से अगर ईर्ष्या है, ठीक है, किसी से चिढ़ है, जलन है, तो वो जलन का जो उनके अंदर संवेग उत्पन्न हुआ है ना वो बढ़ते 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 कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और वो दूसरे के अहित के लिए सोचने लगते हैं और अहित का कार्य करने भी लगते हैं, ठीक है, उसको परेशान करने के लिए, उसको तंग करने के लिए। तो जो अपनी भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ होते हैं और जिनका व्यवहार प्राय लोगों को पसंद नहीं आता है, और ना ही लोग ऐसे बालकों के व्यवहार को ठीक से समझ पाते हैं, आप उनके व्यवहार को समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, हम लोग क्या बोले थे, पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे, उनमें तार्किक क्षमता तो आ जाती है लेकिन उनका तर्क जो होता है वह लॉजिकल नहीं होता है, तर्क संगत नहीं होता है, सिक्वेंस में नहीं रहता है, उठपटांग तर्क देंगे जो हम लोग को समझ में नहीं आता। तो हम लोग तो जानते हैं कि वो बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि वो बच्चे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक छोटी बेटी बच्ची है, मम्मी ने डांट दिया तो पापा से कंप्लेन कर रही है कि मम्मी बहुत गंदी है, ठीक है, मम्मी अब हमको नई मम्मी चाहिए, या फिर हम इसको वॉशिंग पाउडर से धो के मम्मी को क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे और नई मम्मी बना देंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, अतर्क संगत जो है लॉजिक देते हैं, जो कि छोटे बच्चे हैं तो वो हमको समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग के संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक जो होते हैं ना, वह भी इसी प्रकार के आपका बिहेव करेंगे ना, उनके व्यवहार में आपको ऐसी ऐसी हरकतें दिखेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से और किस टॉपिक पे ये इस तरीके के बातों को बोल रहा है, ऐसे शब्दों का ये प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो इनके व्यवहार को समझना बहुत ज्यादा क्या होता है, कठिन होता है। ऐसे बालकों को हम लोग देखे तो निम्न प्रकार के होते हैं, अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक, इनका व्यवहार कभी एक जैसा नहीं है, कभी आपके साथ बहुत ही पोलाइट, मतलब जितने भी संवेगात्मक और स्थिरता वाले बालक होते हैं कभी आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करेंगे, इतना अच्छा बिहेव करेंगे मानो कि ये एकदम सुधरा हुआ इंसान है, और कभी दूसरे दिन ही आपका आएंगे सिर फोड़ने के लिए और गाली गलौज करेंगे, ठीक है। तो इनका व्यवहार क्या होता है, अस्थिर होता है, कभी भी आपको इनको इनका व्यवहार एक जैसा नहीं दिखेगा, कभी नर्म है तो कभी गर्म है, ठीक है। संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध बालक इनको कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसे बालक क्या होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल वाले बालक, संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध बालक जिसको कहेंगे, मतलब संवेग हावी हो गया तो मतलब ऐसा लगेगा ना कि जैसे पेड़ पर बंदरे जैसे कूद कूद के लड़ते हैं झगड़ते हैं, उस तरह का बिहेव करेंगे। उनका शब्द जो होता है इतना मतलब अभद्र शब्द होता है कि आप सुनेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और बार बार दौड़ दौड़ के आपसे झगड़ा करने जाएंगे, मतलब अपने संवेगों पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, इतने ज्यादा परेशान, क्योंकि हम अपने पड़ोस वाली के बात करें,
नशे के आदि बालक और मादक पदार्थों के आदि बालक, ऐसे बालक प्राय नशे के आदि भी होते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक को देखे तो क्या है, अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक, आउट ऑफ कंट्रोल वाले बालक, जिनका अपने संवेगों पर कंट्रोल ही नहीं रहता है, एकदम कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। कभी कभी तो होता है ना, तो कहीं कहीं देखा जाता है कि छोड़ दो इसको, हम आज मार देंगे। ठीक है, छोड़ दो आज हम इसको, आज तो इसको मार ही देंगे, मतलब इतना ज्यादा संवेग हावी हो जाता है कि वो सामने वाले को मार रहा है, पीट रहा है, उसको मार दिया है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, वो इतने ज्यादा मतलब अपने संवेग के अंतर्गत रहता है। ठीक है, इसके बाद ऐसे बालक जो है हम लोग के क्या करेंगे, मादक पदार्थों का सेवन करेंगे, नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक पढ़ लेते हैं। अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक ऐसे बालक होते हैं जिनका व्यवहार जो है नियम विरुद्ध और समाज विरुद्ध होता है। ठीक है, स्कूल में टाइमली आना है, कभी टाइम से नहीं आएंगे, बड़ों के साथ अच्छे से बिहेव करना है, कभी अच्छे से बिहेव करेंगे, मतलब समाज के विरुद्ध ही वो काम करेंगे। क्या बैठेंगे, पानी पीने के लिए किस पे? अच्छा, तो ऐसे बालक क्या करेंगे, समाज के विरुद्ध ही काम करेंगे, जब भी करेंगे तो समाज के विरुद्ध काम करेंगे, नियमों को तोड़ने वाला ही काम करेंगे। ठीक है, घर में पूजा पाठ हो रहा है तो नहा धोवा कर पूजा में बैठना है, वो बिना नहाए बिना शुद्ध हुए ही क्या कर रहा है, भगवान जी के पास से जाके प्रसाद निकाल कर खा ले रहा है, नियमों को तोड़ रहा है। तो इस तरीके का व्यवहार हमें ऐसे बालकों में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, अव्यवस्थित व्यवहार वाले बालक की संज्ञा दी जाती है ऐसे बालकों को, इनका व्यवहार कभी, और कभी कभी इतना ज्यादा आपका मतलब इनका व्यवहार में बदलाव दिखेगा, परिवर्तन दिखेगा, कि ऐसा लगेगा कि सुधर गए, और दूसरे दिन तीसरे दिन ही फिर से वो अपना वही व्यवहार में वो आ जाएगा। ठीक है, तो इनका व्यवहार कभी भी एक जैसा स्थिर नहीं होता है, कभी अप कभी डाउन होता ही रहता है। तो ऐसे बालकों को समाज स्वीकार नहीं करता है और बालक समाज में समायोजन नहीं करता। ठीक है, अगला है संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध बालक, जिसको आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो जब कोई बालक ऐसे कार्यों में संलग्न पाया जाता है जो दूसरे को आश्चर्यचकित करने वाला होता है और जिन्हें सामान्य बच्चे नहीं करते। ठीक है, एक सामान्य बच्चा जो है, मान लीजिए अगर उसको किसी बात पे गुस्सा आ भी गया, दो चार शब्द अपने सामने वाले को वह बोल भी दिया, इसके बाद वह क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ऐसे बालक जो है कभी भी कूल डाउन नहीं होंगे, उसको लगेगा ना कि सामने वाले को क्या कर दे, मार दे, पीट दे उसको, या उसको इस दुनिया से हटा दे, वो कंट्रोल में ही नहीं आए। ठीक है, तो ऐसे बालक को हम लोग आउट ऑफ कंट्रोल वाले बालक कहेंगे। तो जिन्हें सामान्य बच्चे भी नहीं करते हैं, ऐसे कार्य को करने के कारण कारणों को समझना जटिल होता है, मतलब, और कभी कभी जो है ना, मतलब आपसे अगर उसको ईर्ष्या होगी, जलन होगी, तो ऐसे ऐसे काम करेगा आपको परेशान करने के लिए, आपको तंग करने के लिए, आपसे झगड़ने के लिए, कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो इस प्रकार के कार्य क्यों कर रहा है, उठपटांग कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उनके उनको समझना बहुत ही कठिन होता है, जितने भी हम लोग के आउट ऑफ कंट्रोल वाले बालक होते हैं उनको समझना बहुत ही कठिन होता है। और इस प्रकार से जब किसी बालक का कार्य व्यवहार स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है, तो इसका परिणाम स्वरूप उसका समायोजन नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ऐसे संवेगात्मक रूप से ऐसे बालकों को हम लोग क्या कहेंगे, संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध बालक कहेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल बालक। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल वाले बालक, ऐसे बालकों को हम लोग आज हम इसको कंप्लीट, अव्यवस्थित बालक, अव्यवस्थित व्यवहार और संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध बालकों की पहचान, इन दोनों की पहचान, जो अव्यवस्थित व्यवहार वाले भी है और आउट ऑफ कंट्रोल वाले बालक है, इन दोनों की पहचान देखिए क्या है। तो ऐसे बालकों का व्यवहार क्या होगा, अव्यवस्थित होगा, चाहे वो आउट ऑफ कंट्रोल वाले भी हो, उनका भी व्यवहार क्या होगा, अव्यवस्थित ही होगा, एक जैसा नहीं होगा। ऐसे बालक समाज द्वारा स्वीकृत और मान्य व्यवहारों का पालन करने में असमर्थ होते हैं, समाज बोलेगा कि ये करना है, वो जस्ट उसके अपोजिट करेंगे। ठीक है, कभी भी समाज के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ऐसे बालक संतुलित जीवन जीने के आदि नहीं हो आदि होते हैं। ठीक है, सॉरी, संतुलित जीवन जीने के आदि नहीं होते,
समय पे उठना है, नहाना है, खाना है, रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, वो सब के आदि नहीं होते हैं। वो जब मन तब जो मन सो करे, मन आया तो करे, मन आया तो नहीं करे। ऐसे बालकों में सहनशीलता का भी अभाव होता है, किसी की बातों को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, थोड़ी भी सहनशीलता नहीं होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है, अगला टॉपिक है हम लोग का अव्यवस्थित व्यवहार और संवेगात्मक रूप से विक्षुब्ध बालकों की शिक्षा और समायोजन। ऐसे इंसान को कैसे शिक्षा देनी चाहिए? तो ऐसे बालकों को विभिन्न कार्यों में वर्गीकृत कर लेना चाहिए, इनको किसी ना किसी कार्य में क्या करना है, इन्वॉल्व करके रखना है, बिजी करके, ताकि इनका दिमाग जो है दूसरी तरफ जाए ही ना। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो इनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है, कहीं ना कहीं बिजी करना है, किसी ना किसी काम में बिजी करके रखना है, और उन्हें विषय विशेषज्ञ या मनोचिकित्सकों तथा परामर्शदाताओं द्वारा समुचित निर्देशन और शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मतलब एक पहले तो इनको साइकोलॉजी के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि इनका इमोशंस इनके इनपे हावी हो जाता है, तो साइकोलॉजी के पास ले जाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये बच्चे पागल हैं, पागल नहीं कहेंगे, ऐसे बच्चों को कभी भी पागल के ग्रुप में जा सकते हैं, ये पागल नहीं है, ये सही है, ये नॉर्मल है, बस इनका इमोशन जो है इनको कंट्रोल के बाहर रहता है। ठीक है, और किसी ना किसी परामर्शदाता के पास ले जाएंगे। निशांत जी कहाँ चले गए? और शैक्षिक वातावरण इनको हम लोग क्या करेंगे, उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके शिक्षा को रोचक और प्रभावशाली बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि पियाजे जी द्वारा जो हम लोग का शैक्षिक प्रणाली है उसको अपनाएंगे, वाइगोस्की जी द्वारा जो शैक्षिक प्रणाली है उसको अपनाएंगे। तो ऐसे मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके ऐसे बच्चों को हम लोग को शिक्षा देनी चाहिए, और शिक्षा को मतलब उनके लिए शिक्षा को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, कि वो इसी में इन्वॉल्व रहे, दूसरे चीजों में अपना ध्यान लगाए ही ना। अगला बोल रहा है कि ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम में भी आवश्यक संशोधन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे बालक जो होते हैं दूरदर्शी नहीं होते हैं, दूर का सोच ही नहीं पाते हैं, खुरापाती दिमाग के, बदमाश दिमाग के होते हैं, तो थोड़ा हम लोगों को सिलेबस में भी बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, ताकि ये बच्चे जो है शिक्षा ले सके। ऐसे बालकों को ऐसे माहौल में रखा जाए जहाँ नकारात्मक संवेग का दृष्टिगोचर हो, यहाँ पे नेगेटिव जो कोई भी इमोशन नहीं है। ठीक है, मतलब नेगेटिविटी से इनको दूर रखनी है, गलत चीजें, गलत बातें, गलत शब्द, ऐसे चीजों से इनको क्या करना है, दूर रखना है, ताकि इनके दिमाग में ये सब चीजें आए ही ना। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बोल रहा है, नशे मादक पदार्थों के आदि बालक। तो ऐसे बालक जो होते हैं नशे और मादक पदार्थों के आदि बालक होते हैं, ऐसे बालकों को आप खुद ब खुद आप लोग पहचान जाओगे। सबसे बड़ी पहचान की चीज क्या होती है, ऐसे बालकों की आंखें जो होती हैं रेड रेड, लाल लाल होंगे, मतलब आप आती है यहाँ पे तो आपको पानी पीने का याद आता है, गरम गरम पानी। ठीक है, तो नशे और मादक पदार्थों के आदि बालक अगर आपको पहचानना है तो आप लोग इसको ऑटोमेटिक पहचान जाएंगे, इनकी आंखें लाल लाल होंगी, ये कभी भी शब्द जो भी बोलेंगे या फिर आपसे बात करेंगे तो इनका जीव लड़खड़ाता रहेगा, इनके बातों में फ्लुएंसी नहीं रहेंगी, ये अटक अटक कर बोलेंगे, बोलने वाले हैं, इनमें कोई शाब्दिक विकार नहीं है, इनमें कोई हम लोग का ये वाणी विकलांगता नहीं है। ठीक है, तलाते भी नहीं है, हकलाते भी नहीं है, लेकिन नशे के कारण ये बालक जो है कभी भी सही बोलते हैं, अटक अटक के, रुक रुक के, हगला हगला के बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो नशीले या फिर मादक पदार्थों के आदि बालक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनका मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, नशा करने के कारण इनका मस्तिष्क भी प्रभावित होता है, चाहे साथ ही साथ इनका हेल्थ भी आपका प्रभावित होगा। ऐसे बच्चे देखिए तो हेल्थ में एकदम दुखे पत्ते, दिमाग इनको किसी भी परिस्थिति में डाल दीजिए ना, किसी विकट परिस्थिति में या फिर किसी समस्या का समाधान करने में इनको समझ ही में नहीं आएगा, यहीं पे हम नशे में ही रहेंगे, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, छोटी से छोटी समस्या का भी समाधान करने में ये सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, तो नशे के आदि बालक जो होते हैं हम लोग अगर देखें तो आज के वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ज्यादा बढ़ती जा रही है। आजकल जो बच्चे जो है नशे का सेवन ज्यादा करने लगे हैं। ठीक है,
अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलकर, किसी के साथ भी मिलकर, लोग जो है नशे का सेवन करने में अभी ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ऐसे बालक किसी ना किसी प्रकार की नशीली वस्तुओं का के आदत का शिकार हो जाते हैं, और यानी कि नशीले वस्तुएं का उपयोग करने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे, ड्रिंक करने लगेंगे, ठीक है, गुटखा या पान, आजकल तो गुटखा इतना ज्यादा मिलता है कि लोग गुटखा और पान खाने लगेंगे। तो इन सब कार्यों में मतलब इतना ज्यादा उसका नशा हो जाता है ना, कि इनका नशा जो है कम नहीं होता है, वो निरंतर उसका नशा करते ही रहते हैं। और ऐसे बालक जो होते हैं ना, ऐसे पर्सन आप देखिएगा जो खुद पीते हैं या फिर जो ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं, वो दूसरे को ऑफर जरूर करेंगे, ठीक है, वो दूसरे को ऑफर करेंगे और दूसरे को प्रेशर देते हैं कि पियो ना कुछ नहीं होगा। तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो दूसरों को ऑफर करते हैं। इसी कारण से आज के प्रेजेंट डे में अगर देखा जाए तो हमारे समाज में ऐसे बालकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगे बोल रहा, मादक वस्तुओं के आदि बालकों की विशेषता क्या होती है, कैसे पहचानेंगे? तो मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल होंगे, एकदम दुबले पतले, ऐसा लगेगा कि इनका कंकाल दिख रहा है, ऐसे इंसान होते हैं। ऐसे बालक निष्क्रिय, आलसी, चिड़चिड़े और क्रोधित होते हैं। कोई काम करने के लिए बोलिएगा, कोई काम नहीं कर पाएंगे, आलसी होंगे, चिड़चिड़े होंगे, थोड़े थोड़े बात पे चिड़ जाएंगे, क्योंकि ये सही से भोजन नहीं लेते हैं। इनमें शारीरिक क्या है, ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। तो जो जो इंसान शारीरिक रूप से अस्वस्थ होगा, वो जाहिर सी बात है कि वो चिड़चिड़ा होगा, ठीक है, क्रोधी हो जाएंगे, बात बात पे गुस्सा जाएंगे, पेट में भोजन ही सही से नहीं है, खाली नशा कर करके जो है जी रहे हैं, तो क्या होगा, क्रोधी आएगा इनको। ऐसे बालकों में ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी बहुत कम होती है, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत कम होता है। बोला जाएगा कि इस पिक्चर को स्टडी करो, स्टडी करके इसके ऊपर एक कहानी बनाओ, तो ऐसे बालक ऑब्जर्व ही नहीं कर पाए, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता ही इनकी बहुत कम हो जाए, ठीक है। ऐसे बालकों में अपराधी प्रवृत्ति भी पाया जाता है। अब अपराधी प्रवृत्ति तो जाहिर सी बात है पाया ही जाएगा। मान लीजिए कल के डेट में अगर सिगरेट पीने के लिए पैसा नहीं है तो क्या करेगा, चोरी करेगा, घर से मम्मी के अलमीरा से कुछ पैसे ले जाएगा, तो कभी पापा के जेब से कुछ पैसे ले जाएगा। तो अपराध की प्रवृत्ति ऐसे बालकों में हो जाती है, ठीक है। आगे बोल रहा है, नशे के आदि बालकों की शिक्षा और समायोजन, इनको भी बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। देखिए, ऐसे बालकों के प्रति माता पिता का दृष्टिकोण स्नेहपूर्ण होना चाहिए और सहयोगात्मक होने चाहिए, ठीक है, मतलब माता पिता जो है इनको अच्छे से ट्रीट करें, इनके समस्याओं को समझे, इनको प्यार से पुचकार पुचकार कर कोई काम करें, डांट डपकार कर करेंगे तो ऐसे ही चिड़चिड़े हैं और क्रोध वाले हैं, ये बात ही नहीं सुनेंगे, ठीक है। और बालक में सुधार हेतु अच्छे पारिवारिक वातावरण का सृजन करें, सबसे जरूरी होता है परिवार का माहौल, परिवार का एटमोसफेयर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। घर का परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, बच्चे अगर गलत राह पे चले भी गए हैं तो वह सुधर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है, मादक वस्तुओं के आदि बालक के उपचार के लिए चिकित्सक मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का भी उपयोग करके नशे से छुटकारा दिलाने का प्रयास किया जा सकता है। चिकित्सा का प्रयोग करेंगे हम लोग, उसको डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे, डॉक्टर्स के पास ले जाके दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर किस प्रकार हम उसको नशे से छुड़वा सकते हैं, इस सब के लिए उनसे राय सलाह करेंगे। तो चिकित्सा के पास भी, डॉक्टर्स के पास भी इनको ले जाके इनसे छुटकारा दिला जा सकता है। ऐसे बालकों में मादक पदार्थों की सेवन से उत्पन्न कष्टों के प्रति शिक्षक को सचेत करना चाहिए, कि जैसे कि हम लोग का गुटखा बिक्री होता है, उसमें दिया रहता है कि उसको खाने से कैंसर होता है, तो टीचर को भी ऐसे बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि आप इसका जो सेवन कर रहे हो, इससे हमारे बॉडी ऑर्गन को क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, ये हमारे लिए कितना घातक हो सकता है। तो एज अ टीचर हमें इन सारे इंफॉर्मेशन को बच्चों को बताना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे, अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे के बहकावे में आकर या उसकी संगति में पड़कर अगर उसका सेवन कर भी रहा है तो वह उससे पीछे हट जाए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें इन सब के हानिकारक प्रभाव को शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए। आगे बोल रहा है कि इन वस्तुओं के सेवन से उत्पन्न बुराइयों का प्रचार प्रसार रेडियो में, दूरदर्शन में, पत्र पत्रिकाओं में आदि में किया जाना चाहिए। तो देखती है, हर जगह करता है ना, हर जगह करता है, लेकिन दुकान दुकान पे बिकता भी है। गवर्नमेंट कभी इस पे बैंड नहीं लगाता है, हमारा गवर्नमेंट जो है कभी भी इस पे बैंड नहीं लगाता है कि गुटखा है, सिगरेट है, इस पे पूरी तरह से बैंड लगा दिया जाए। कभी सबसे ज्यादा अगर इनकम होता है, सबसे ज्यादा अगर टैक्स वसूलो जाता है, इन्हीं सारे ना
नशे और मादक चीजों पर ही टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, हम लोग स्कूल्स में या फिर रेडियो पे या फिर टेलीविजन पे हर जगह इसके बुरे प्रभाव के विषय में बच्चों को या फिर लोगों को आगाह किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, साथ साथ बिक्री पे भी किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाती है। लॉकडाउन के समय जब सब चीज बंद था, दारू वारू सब बंद था, जब दारू बिक्री होना स्टार्ट हुआ, सबसे पहले तो दारू ही बिक्री होना स्टार्ट हुआ ना, मतलब दारू पीने से लोग स्वस्थ हो जा रहे थे, तो लोग दारू खरीदने के लिए बाल्टी से ढककर सिर को, चाहे किसी से, लेडीज भी जाती थी दारू खरीदने के लिए। तो गवर्नमेंट कभी इस पे बैन नहीं लगाती है, पूरे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, हमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। ठीक है, इससे हम समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं, हमारा समाज इससे हमसे दूर होते जाता है, हर एक चीजों को, कमियों को बताया जाता है, लेकिन फिर भी इस पे बैंड गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लगाया जाता है। ये हमारा गवर्नमेंट। चलिए एक नोट है, सुनिए, गायत्री जी भी चली गई। हैंडीकैप, ठीक है, नोट क्या है, हैंडीकैप हाथ से विकलांग बालक, हैंडीकैप का मतलब हाथ से विकलांग बालक के लिए प्रिंटेड या मुद्रित या चित्रकित सामग्री का इस्तेमाल करना उपयुक्त होगा। जो बच्चे जो है हाथ से विकलांग है, तो इनका हाथ काम नहीं कर रहा है, जो लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमको क्या करना है, प्रिंटेड मतलब जो प्रिंट किया हुआ है, उनको लिखना ना पड़े, ठीक है, जिसमें उनका हाथ का प्रयोग बहुत कम हो, ऐसे प्रिंटेड चीजों का प्रयोग करना चाहिए। मुद्रित या चित्राकित यानी कि चित्र बनाया गया है, बच्चा चित्र को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व करके स्टडी कर ले रहा है, जिसमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका हाथ का इस्तेमाल जहाँ बहुत कम हो, ऐसी चीजों का प्रयोग हमें ऐसे हाथ से विकलांग बालकों के लिए करना चाहिए। हो गया, सब धीरे 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 लेफ्ट होते जा रहे हैं, क्यों, ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा है क्या? बस 2 पेज और, इसके बाद ये टॉपिक में आप लोग से हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, अधिगम क्षमता आ रहा है, इसीलिए हम ये सब जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ये सब चीजें हम लोग का, इसमें क्वेश्चन आएगा भी ना, तो आप लोग खुद से, हाँ, तो ये हम लोग जितना सीडीपी पढ़ रहे हैं ना, सीडीपी, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए चलिए, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, ठीक है, एजुकेशनली एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के विषय में अब हम लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे शैक्षिक दृष्टि से क्या है, विशिष्ट बालक है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की तुलना में शैक्षिक रूप से क्या है, बिल्कुल अलग है, यानी कि बालकों की शैक्षणिक योग्यता सामान्य बालकों की तुलना में निम्न स्तर की हो सकती है या शैक्षणिक निष्पादन में कमी हो सकती है। ठीक है, सामान्य जो बालक है उन बालकों के कंपेयरिंग में अगर देखा जाए, तो ये बालक शैक्षिक दृष्टि से क्या है, निम्न स्तर के हैं, या फिर शैक्षणिक उपलब्धि में ये क्या है, उन बालकों से क्या है, पिछड़े हैं। ठीक है, ऐसे बालक को हम लोग शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कहेंगे। तो जरूरी नहीं है कि ऐसे बालकों में कोई शारीरिक या मानसिक दोष होता है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, यही मेन टॉपिक है। शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक है यानी कि सामान्य बालकों से शिक्षा के क्षेत्र में वो कम है, शैक्षिक उपलब्धि उनकी कम है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, किसी चीज को समझने में दिक्कत होता है, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी प्रकार से विकलांग है, इनमें किसी प्रकार का विकार है, नहीं, इनमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इनमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है, कोई दोष नहीं, इसके बावजूद भी ये बालक क्या होते हैं, शैक्षिक कार्यों में कठिनाई का अनुभव करते हैं, हाथ पैर सही है, कोई विकलांगता नहीं है, मानसिक रूप से कोई विकलांगता नहीं है, वाणी विकलांगता नहीं है, ठीक है, दृष्टि विकलांगता नहीं, उसी किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, शैक्षिक रूप से क्या होते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो ऐसे बालकों को हम लोग 3 भागों में बांटे, पहला होता है तीव्र बालक, ठीक है, उसको कहेंगे जल्दी सीखने वाले बालक, तीव्र बालक यानी कि जल्दी सीखने वाले बालक, दूसरा हो जाएगा पिछड़े बालक यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा अधिगम अक्षम बालक, यानी कि ऐसे बालक, चिल्ड्रन विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने लिखने में कठिनाई होती
होती है। ठीक है, पहला क्या है, तीव्र बालक जो किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख जाते हैं, दूसरा है पिछड़े बालक बैकवर्ड चाइल्ड, और तीसरा है अधिगम अक्षम बालक चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसएबिलिटी। ठीक है, ये तीनों टॉपिक याद रखिएगा, यही तो तीन मेन है। पिछड़े बालक बैकवर्ड चाइल्ड इसमें बोल रहा है कि पिछड़े बालकों से तात्पर्य अगर हम लोग देखें तो ऐसे बालकों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं। तीव्र बालक तो वही है हम लोग का गिफ्टेड चाइल्ड, जो किसी चीज को बहुत जल्दी सीख गए, बहुत जल्दी समझ गए। ठीक है, अब कक्षा में बोर हो रहे हैं, धीरे धीरे हमको उनको किसी कार्य में इन्वॉल्व करना है, हमको उसको किसी कार्य में बिजी करना है। नहीं बिजी करेंगे, नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो उनके अंदर प्राउडनेस आ जाएगा, घमंड आ जाएगा कि हम तो सबसे सुपीरियर है, हम तो सबसे अच्छे हैं। ठीक है, वो हम लोग का क्या था, तीव्र बालक था। और बैकवर्ड चाइल्ड क्या था, जो सामान्य बालकों से काफी क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। जो बालक अपनी कक्षा के अन्य बालकों से अध्ययन तथा शैक्षिक प्रगति की दृष्टि से भी पिछड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, पिछड़ा बालक। जो पढ़ने में कमजोर है, हमारे अगर कक्षा में देखा जाए तो हर तरीके के बालक होते हैं। एक बालक ऐसा है जो पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उसी कक्षा में उसी का क्लासमेट एक ऐसा है जो पढ़ने में कमजोर है। ठीक है, मास्टर 5 चैप्टर सम्स का बता दिया, मैथ्स के बता दिए हैं, लेकिन अब उसको पहला ही चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बालक क्या है, पिछड़े ही वो बालक कहलाएगा ना। ठीक है, तो पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, इस चीज को यार लोग नोट डाउन करके माइंड में स्टोर करके रख लीजिएगा। बालक अगर पिछड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बालक मंद बुद्धि का है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बालक पिछड़ा है तो बालक मंद बुद्धि का भी होगा, मंद बुद्धि का होगा नहीं, वो अलग हो गया, मंद बुद्धि बालक अलग हो गया। ठीक है, और पिछड़े हुए बालक अलग हो गया। बहुत से बच्चे होते हैं कमजोर होते हैं, जो पिछड़े हुए होते हैं, लेकिन वो मंद बुद्धि नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि मंद नहीं होती है। ठीक है, तो औसत बुद्धि वाला अथवा तीव्र बुद्धि वाला बालक की परिस्थिति जन्य कारणों से पिछड़ा बालक हो जाता है। ठीक है, क्या ऐसे बालक, कैसे बालक पिछड़ जाते हैं, औसत बुद्धि वाले बालक है या तीव्र बुद्धि वाले बालक हो सकते हैं, यह भी किसी कारण से पिछड़ सकते हैं। मान लीजिए हम लोग का तीव्र बुद्धि वाले बालक है, उसके घर में घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई कि वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आ पाया, तो वह सिलेबस बहुत आगे बढ़ गया, वह बालक भी तो पिछड़ गया, पिछड़ा बालक कहलाया। या फिर औसत बुद्धि वाला बालक किसी कारण से क्या सकता है, हो सकता है मान लीजिए उसके घर में बहुत टेंशन है, बहुत कलह है, वो स्कूल में आता भी है, शिक्षक के द्वारा बताए जाने पर भी वो उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, उन चीजों को वो समझ नहीं पाता है, वह बालक भी धीरे धीरे पिछड़ जा रहा है। ठीक है, तो इससे मंद बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, याद रहेगा ना। तो यदि वह कक्षा के औसत यानी कि सामान्य छात्रों से शैक्षिक दृष्टि से निम्न होगा तो पिछड़ेपन, ठीक है, तो वो क्या है, सामान्य बालकों से क्या होगा या औसत बालकों से क्या होगा, शैक्षिक दृष्टि से क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो उसके पिछड़ेपन का बहुत सारा रीजन हो सकता है, उसका घर का माहौल हो सकता है, या फिर स्कूल में उसको किसी दूसरे प्रकार के का टेंशन हो सकता है, जो कि माइंड में वही घूमता रह रहा है, वह कक्षा में क्लास में टीचर्स के बताए हुए चीजों को फोकस नहीं कर रहा है, वो उसको समझ नहीं पा रहा है, और नहीं समझने के बावजूद भी वो टीचर से किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसका डाउट बनता जा रहा है, जिस वजह से वो क्या हो गया है, चढ़ गया है। तो हम लोग अगर देखें, शारीरिक कारणों के अतिरिक्त परिवार के कलह, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार बच्चे होंगे, प्राय बीमार ही रहते हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से वो रेगुलर स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं। हम लोग के घर में कलह हो रही है, उसकी वजह से वो कक्षा में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे पिछड़ गए। ठीक है, अब घर में क्लास में कुछ बताया जा रहा है, लेकिन माता पिता के द्वारा उसको कुछ सपोर्ट या कुछ हेल्प नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इस वजह से भी बच्चे पिछड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूषित या शोर शराब से युक्त वातावरण में रह रहे हैं, उनका घर का वातावरण जो है दूषित है, शोर शराबा वाला है, इसकी वजह से वो कक्षा के कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर होमवर्क पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर जो कुछ बताया जाता है उसको वो दोहरा नहीं पाते, जिसकी वजह से वो पिछड़ जाते हैं। परिवार का की निर्धनता भी इनके पिछड़ेपन का कारण बन सकती है। अब क्लास में कोई हम लोग को प्रोजेक्ट वर्क दिया गया करने के लिए, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया गया, लेकिन इसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारे प्रोजेक्ट वर्क के लिए सामान खरीद के ला सके, उस पर प्रिपरेशन कर सके, इस वजह से बच्चा पिछड़ गया। ठीक है, ये भी तो रीजन हो सकता है। बुरे मित्रों की संगति के कारण भी बच्चा पिछड़ सकता है,
दूसरे बच्चों की, बुरे बच्चों की संगति में पड़ गया, जिसकी वजह से बच्चा जो है उन्हीं लोगों की बातों में रह जाता है और स्टडी पे फोकस नहीं करता, इसकी वजह से बच्चा बिछड़ गया। अयोग्य व लापरवाह अध्यापक की वजह से बच्चा बिछड़ सकता है, अध्यापक की भी बहुत ज्यादा भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है। टीचर्स जो है कक्षा में जाते हैं और कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, सिलेबस कुछ कंप्लीट ही नहीं करवा रहे हैं, बच्चे बिछड़ रहे हैं, बिछड़ेंगे ही ना बच्चे, उनका कुछ सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहा है तो अन्य बच्चों की तुलना वो क्या हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। निर्देशन का अभाव, किसी बच्चे को सही डायरेक्शन नहीं, जैसे कि हम लोग का वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं कि बच्चे का अपना जो है क्षमता जो है वो 30% की है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा पार और पाइट दे दे, थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो बच्चा क्या होगा अपने दम पर उपलब्धि तक पहुंच सकता है, लेकिन वहां पर उसको निर्देशन सही नहीं मिल पा रहा है, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से बच्चा बिछड़ जा रहा है। ठीक है, ये भी तो एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, घर में बताने वाला समझाने वाला कोई तो होना चाहिए, तो इस वजह से बच्चा बिछड़ सकता है। तो ये सारे कारण जो है, ये सारे वजह बन सकते हैं बच्चे का पिछड़ेपन होने का। ठीक है, ठीक ढंग से जारी नहीं रख पाने के कारण शिक्षा प्राप्त करने में बच्चा क्या होता है, पिछड़ जाता है, इसको कहते हैं हम लोग पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड। अभी देखिए ये चीज याद रखिएगा, शैक्षिक लब्धि यानी कि एजुकेशन, हम लोग का क्वेश्चन क्या होता है, शैक्षिक लब्धि क्या होती है, शैक्षिक आयु यानी कि बच्चे की जो आयु होती है, ठीक है, बच्चा जो है बौद्धिक रूप से कितना तेज है, उसका शैक्षिक लब्धि कितनी है, बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, अगर हम लोग को ये निकालना है, शैक्षिक लब्धि निकालनी है, तो क्या करेंगे, बच्चे की शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु, बच्चा का आयु कितना है, उम्र कितना है, और वास्तविक आयु, ठीक है, बच्चे की वास्तविक आयु कितनी है, गुणे 100 कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, उससे हम लोग का बच्चे का शैक्षिक लब्धि निकल जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, बच्चे का शैक्षिक स्तर निकालना है कि बच्चा तीव्र बुद्धि वाला है, बच्चा सामान्य है, बच्चा मंद बुद्धि वाला है, या फिर बच्चा जो है हम लोग का कमजोर है, ये सब निकालने के लिए क्या है, हम लोग का एक फार्मूला है, शैक्षिक शैक्षिक लब्धि अगर निकालनी है तो शैक्षिक आयु, उसका शैक्षिक आयु निकालेंगे, और शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु, उसका जो वास्तविक उम्र है वो गुणे 100, एजुकेशनल एज, ठीक है, इसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज उसका यानी कि उसकी वास्तविक आयु गुणे 100। एजुकेशनल एज का मतलब होता है कि अगर हम लोग देखें एज वाइज तो हम लोग को अभी किस क्लास में होना चाहिए और हमारा वास्तविक एज क्या है, पता है ना, वास्तविक एज ये है और शैक्षिक तौर पर हमें अभी इस क्लास में होना चाहिए लेकिन हम इस क्लास में है, तो वो हम लोग का शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 करके हम लोग अपने शैक्षिक लब्धि निकाल सकते हैं कि हमारा जो मानसिक स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो किस लेवल पर है। देखिए एक मनोवैज्ञानिक है बर्ट, वो क्या बोल रहे हैं, उनके अनुसार बालक की शैक्षिक लब्धि 85 से कम होती है तो उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है, सबको याद रखिएगा। बर्ड के अनुसार अगर बालक की शैक्षिक लब्धि कितना 85 से कम है तो वह बालक क्या है, पिछड़ा बालक है, मंद बुद्धि वाला बालक नहीं है। मंद बुद्धि बालक और पिछड़ा बालक दोनों को कभी भी एक नहीं मानेंगे, बालक पिछड़ा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि बालक मंद बुद्धि वाला है, पिछड़ापन होने का कितना सारा कारण बताए, पता है ना, तो मंद बुद्धि उसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, पिछड़े बालक की विशेषता देखिए क्या क्या बोल रहा है, बोल रहा है ऐसे बालकों के सीखने की गति धीमी होती है, जो पिछड़े बालक होते हैं किसी भी चीज को समझने की सीखने की गति क्या होगी, बहुत ही स्लोली होगी, इनको किसी चीज को समझाना है सिखाना है तो हमको थोड़ा स्लो मोशन में चलना, ठीक है। दूसरा बोलता है ऐसे बालक अपनी कक्षा का कार्य तथा गृह कार्य समुचित ढंग से नहीं कर पाते हैं, क्या क्या रीजन बताए थे, घर में माता पिता के अशिक्षित होने का भी एक कारण हो सकता है, अब उनको वहां पे मान लीजिए गृह कार्य मिला, होमवर्क मिला, तो बच्चा जो है कुछ हद तक तो कर पाया लेकिन इसके बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, कोई उसको पार पाइट देने वाला नहीं है, कोई उसको सहयोग देने वाला नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, वहीं पे ना अटक के रह जाएगा, तो ऐसे बच्चे जो है अपने गृह कार्य या कक्षा का कार्य समुचित ढंग से पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है ऐसे बालक विद्यालय के शिक्षण विधियों से लाभ उठाने में भी विफल रहते हैं, विद्यालय में जो कुछ भी टीचर्स के द्वारा बताई जा रही है मतलब उसका वो पूरा भरपूर लाभ नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, टीचर्स
टीचर्स के द्वारा जो कुछ भी बताई जा रही है या फिर जो भी हम लोग का शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है उससे जितना कुछ उसको ऑब्जर्व करना चाहिए वो उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसके माध्यम से, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कक्षा में टीचर कुछ बता रहा है तो वो हर किसी को लेकर सबको लेकर चल रहा है ना। अब वो पिछड़े बालक के अनुसार वो स्लो मोशन में नहीं चलेगा, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है हर चीजों को समझ नहीं पाते हैं, हर चीजों को जान नहीं पाते, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ऐसे बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होते हैं, दिमागी रूप से मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, ऐसे बालक बीमार रहेंगे। जो बच्चे बीमार रहते हैं ना उनका दिमाग भी प्राय काम धीरे धीरे ही करता है। ऐसे बालक कक्षा में समायोजित व्यवहार करते हैं, असमायोजित व्यवहार करते हैं। मतलब अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा है, तेज तरार बच्चा है, उसके साथ उसको एडजस्टमेंट करने में उनको ईर्ष्या होती है, उनको जलन होती है कि वो तेज है, हमको ये नहीं आता है, तो उनके साथ एडजस्टमेंट करने में भी उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अगला है पिछड़े बालकों की शिक्षा और समायोजन। देखिए तो पिछड़े बालकों की शिक्षा और समायोजन के लिए व्यक्तिगत ध्यान की व्यवस्था, मतलब हमको पर्टिकुलरली अलग अलग बच्चों के व्यक्तिगत कैरेक्टर को जानना होगा, समझना होगा कि ये आखिर बालक पिछड़ा है तो किस कारण से पिछड़ा है, क्या इसके घर का माहौल सही नहीं है, क्या इसको किसी आर्थिक तंगी में है फंसा हुआ है, चाहे इसके माता पिता अशिक्षित है, चाहे ये किसी बुरी संगति में फंस गया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, या फिर ये अस्वस्थ रहता है, हम उसके कारणों को पहले जानेंगे, इसके बाद हम उसके पिछड़ेपन का इलाज करेंगे। अगला बोल रहा है पिछड़ेपन के कारणों की खोज, वही चीजें हैं, पिछड़ेपन के कारणों की खोज करेंगे। छोटे समूह में शिक्षा की व्यवस्था, अब ऐसे बच्चों को हम बहुत बड़े ग्रुप में पढ़ाएंगे नहीं, उसको छोटे समूह में पढ़ाएंगे, उनका ग्रुप बनाएंगे जो छोटा बनाएंगे जिसमें हम उस पर फोकस कर सकें, ठीक है। अगर हम बच्चों को बहुत बड़े क्लास में क्या होता है 40-45 बच्चे होते हैं, उतने सारे ग्रुप में सभी बच्चों पर पर्टिकुलरली एक टीचर जो है सब पे पर्टिकुलरली अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है, तो हम इसको छोटे समूह में छोटे ग्रुप में पढ़ाएंगे ताकि इसकी समस्या पर हम ध्यान दे सके, विशेष रूप से ध्यान दे सके और जो समस्या है उसके समस्या का हम निवारण कर सके। तो क्या करेंगे, छोटे ग्रुप में छोटे समूह में ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। अगला बोल रहा है शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की सहायता भी लेंगे, ठीक है, किसी स्कॉलर के थ्रू कि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, उसका भी हम हेल्प ले लेंगे और उचित निर्देशन और परामर्श देते रहेंगे इनको समय समय पर कि तुम ऐसा करो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम इसको ऐसे बनाओ, तुम इसको इस सम्स को इस वे से नहीं इस तरीके से बनाओ, देखो कितना इजी बन जाएगा। तो समय समय पर हम उसको क्या देंगे, निर्देशन और परामर्श देते रहेंगे। क्लियर हुआ, हो गया ना क्लियर? यस मैम। चलिए अब अधिगम अक्षमता वाले बालक हम लोग पढ़ेंगे। आ गए अधिगम अक्षमता वाले बालक पर। अधिगम अक्षमता वाले बालक पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोगों को ज्योति, चलिए हम आप लोगों को प्याजे जी पढ़ाए ना, चलिए प्याजे जी के अनुसार फोर फोल्डर थ्योरी क्या है हमको जल्दी जल्दी बताइए। फोर फोल्डर थ्योरी, क्या था? नहीं सॉरी, चलिए बताइए पूजा जी। गायत्री जी कहाँ चली गई? पूजा जी प्याजे जी का फोर फोल्डर थ्योरी, पूजा जी प्रेजेंट हैं? मैम बोलिए फोर फोल्डर थ्योरी। जल्दी बताइए, हम अधिगम अक्षमता पढ़ाएंगे, अभी भी हम लोगों के पास बहुत टाइम है, अधिगम अक्षमता आज नहीं कल हो ही जाएगा, आज और कल मिला के हो जाएगा। नहीं बताएंगी पूजा जी? चलिए प्रियदर्शनी जी आप बताइए। प्रियदर्शनी जी प्याजे जी का फोर फोल्डर थ्योरी, हवा में चेक कीजिए तो सारा भेज दिया गया है।
हाँ मेल पे ही भेजे। नहीं आप लोग आंसर दीजिएगा तो फिर हम आगे कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा चलिए निशांत जी आप बताइए तो मनोविज्ञान आपसे मैं जो पूछ रही हूँ आप हमको ये बताइएगा। आपका क्वेश्चन है कि प्याजे जी जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम लोग एजुकेशन जो भी लेते हैं प्याजे जी के सिद्धांतों का हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्याजे जी का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, उनकी आलोचना की गई है, तो किन किन बातों पर प्याजे जी की आलोचना की गई है बताइए तो जरा। पहले मैम भाषा पे, प्याजी जी भाषा कहते हैं कि भाषा भाषा बालक के लिए कोई उतना जरूरी नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ सीखते नहीं नहीं कह रहे। है, प्याजे सीखते नहीं है भाषा पे, जी वो ने बात बस नहीं किए हैं। केवल इतना बोल दीजिए प्याजे जी ने भाषा का जिक्र ही नहीं किया है। ठीक दूसरा मैम सांस्कृतिक पर, हाँ समाज पर, संस्कृति और समाज जी मैम बस 3 ही याद है मैम। बस ये इतना ही याद है। चलिए ये सही बता रहे हैं पूजा जी। निशांत जी एक चीज गलत बोले। सही क्या बताओ चीज मैम? सही बोले हैं मैम सही बोले हैं। अच्छा ठीक है चलिए सही बोले हैं। अच्छा ये बताइए प्याजे जी ने भाषा का जिक्र नहीं किया है, प्याजे जी ने समाज और संस्कृति का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी आलोचना की गई है। वाइगोत्स्की जी ने क्या नहीं किया है जिसकी वजह से उनकी आलोचना की जाती है, ये चीज हम आप लोग को बताए थे। प्रियदर्शनी जी आप बताइएगा। प्रिया जी चलिए जुड़ी है ना बताइए। वाइगोत्स्की जी की आलोचना किस बात पर की जाती है, ये चीज हम आप लोग को बताए हैं। बोलिए वाइगोत्स्की जी की आलोचना किस पर की गई है, किस आधार पर की गई है। मैम ये बच्चों का उम्र स्टेप बाय स्टेप इन्होंने नहीं रखे मैम। बालकों का जो वर्णन किया है ठीक है संज्ञानात्मक क्षेत्र में उसको उन्होंने सीक्वेंस में नहीं उन्होंने एज ग्रुप में नहीं बांटा है जिसकी वजह से उनकी आलोचना की गई है। ठीक है अच्छा चलिए वाइगोत्स्की जी के अनुसार हम लोगों का ये था ना वाइगोत्स्की जी अहम केंद्रिता ईगो सेंट्रिज्म जो होता है ठीक है ईगो सेंट्रिज्म जो होता है वाइगोत्स्की जी और प्याजे जी दोनों ने ईगो सेंट्रिज्म का हम लोग का जिक्र किया है, अहम केंद्रवादिता दोनों ने जिक्र किया है। तो बताइए प्याजे जी के अनुसार अहम केंद्रिता क्या है और वाइगोत्स्की जी के अनुसार क्या है, प्याजे जी के अनुसार क्या है और वाइगोत्स्की जी के अनुसार क्या है। मैम प्याजे जी के अनुसार है कि बच्चा खुद को खुद को क्या बोलेंगे मैम, जैसे उदाहरण इसका याद है मैम, जैसे बच्चा अपना मान लीजिए माँ के उनकी माँ है, तो वो अगर उनके गोद में कोई दूसरा बच्चा बैठ जाए तो फिर वो आके बोले उसको हटा के खुद बैठेगा, नहीं वो मेरी माँ है। आत्म केंद्रित की भावना उसमें होती है कि हम जो कह दिए घर में वही हम मेरा सब कोई सुने। वो दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो अपने अनुसार ही हर चीज को करना चाहते हैं। ठीक है ये हम लोग का प्याजे जी के अनुसार है, बच्चे ईगो सेंट्रिज्म होते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की जी के अनुसार, वाइगोत्स्की जी के अनुसार इसका तो याद नहीं है मैम इनका। चलिए पूजा जी हैं आप बताइए। पूजा जी पूजा जी कुछ नहीं बोलिएगा तो फिर आप आइएगा ना कुछ जवाब दीजिएगा ना कुछ कीजिएगा ऐसे ही चले जाइएगा तो फिर कैसे होगा। अच्छा चलिए मैम बता ZPD दीजिए क्या, बिल्कुल ZPD क्या होता है पहले हमको ये बताइए। मैम, इसमें जो ZPD बालक जहां तक जानते हैं पहले तो हमको ZPD का फुल फॉर्म बताइए। जोन ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट जॉन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए ZPT होता क्या है बताइए। मैम, जिसमें इसमें होता है ना कि बच्चे जहां तक जान रहे हैं, जहां तक उनकी ज्ञान है, मान लीजिए वो 50% जान रहे हैं या 60% जान रहे हैं, उसके बाद वहां जाके वो अटक जा रहा है। लेकिन किन्हीं की सहायता, या शिक्षक हो, माता पिता हो, जो भी हैं, अगर उनको थोड़ा सा मदद कर रहे हैं और वो अपने गोल तक पहुंच जा रहे हैं, मतलब वो पूरा पूरा कर पा रहे हैं उस चीज को, तो इसी को मैम ZPD वाइगोस्की जी कहे हैं मैम। नहीं, आप एक चीज भूल गए, बच्चे का वास्तविक क्षेत्र ठीक है और संभावित क्षेत्र। संभावित क्षेत्र ना, जी बड़े मैम, जी की मैम, मदद जी से मैम, बच्चा जो ग्रहण कर रहा है वो संभावित क्षेत्र हो गया, जी और मैम, अपनी मदद से वो उसका वास्तविक क्षेत्र हो गया। तो वास्तविक क्षेत्र और संभावित क्षेत्र के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। जी क्या मैम, कहेंगे? वास्तविक क्षेत्र और संभावित क्षेत्र के बीच के अंतर को क्या कहेंगे हम लोग? ZPD कहेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और स्कैफोल्डिंग क्या होता है? चलिए मार्गदर्शन अभी मैम, निशांत जी आप आंसर नहीं दीजिएगा। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? हाँ, जैसे कि अगर 30% हमें कहीं काम करे और हमें हमारी मम्मी अगर हमें उस काम को करने के लिए उनका साथ हमारी मदद कर वहाँ देती है, बात होती है उस काम को करके। वो हमारा क्या कहलाता है? स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। इसको लेकिन आप ऐसा नहीं हम बताए थे मैम, आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप बताया थे कि अगर कोई बच्चा कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं कर पा रहा है किसी काम को, लेकिन हाँ कोई घर के मेंबर या टीचर या कोई भी बड़े भाई भैया कोई भी बता रहे हैं उसे कि किसी भी ऐसे बड़े स्टार्ट के करो, माध्यम से। हाँ जी मैम, तब वो स्टेप फोल्डिंग का काम, क्योंकि स्टेप फोल्डिंग का मतलब मार्गदर्शन, मार्गदर्शन आप बताया था मैम, स्कैफ मार्गदर्शन फोल्डिंग का करना। मतलब होता है पार या पाइड या मार्गदर्शन। ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या है? कि बच्चा किसी काम को करने में असमर्थ है, उसको पता है कि इसको करना है, ठीक है, उसको उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन इसको शुरुआत कैसे करनी है उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पे उसके किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा, किसी एल्डर्स के द्वारा उसको थोड़ा सा हिंट दे दिया गया, उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया गया, और इसके बाद हाथ पीछे खींच लिया गया। वो बच्चा अपने सपोर्ट से, अपनी मदद से अपने गोल तक पहुंचा। वो हम लोग का क्या कहलाया? स्कैफ, क्या कहलाया? स्कैफ फोल्डिंग। हाँ, तो वाइगोस्की जी ने अहम केंद्रिता का जिक्र नहीं किया है। वाइगोस्की जी क्या कहते हैं? निजी भाषण और संभाषण का बात करते हैं। वाइगोस्की जी निजी भाषण और संभाषण की बात करते हैं। आप लोग ध्यान से नहीं सुनती हो। प्याजे जी मैम, जी अहम केंद्रिता का जिक्र कर रहे हैं। प्याजे जी अहम केंद्रिता का जिक्र करते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है इतने ही तक होती है, वो हर चीज अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, हर चीजों को, दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन वाइगोस्की जी इसका जिक्र नहीं करते हैं। वाइगोत्स्की जी क्या बोलते हैं? बच्चे जो होते हैं अहम संभाषी केंद्रित और नहीं होते हैं। बच्चे जो अहम केंद्रित नहीं होते हैं, हम लोग कभी भी बच्चे की बुद्धि और किसी एडल्ट बड़े की बुद्धि को, बड़े की बुद्धि की तुलना बच्चे की बुद्धि को नीचा नहीं समझेंगे। ठीक है, वो अपने स्तर पर क्या है, वो बड़ों के बराबर है। समझ में आया? चलिए आप बताइए। तो निजी संभाषण और ये हम लोग का नियमन जो था वो क्या था? निजी संभाषण और आत्मनियमन का जिक्र कौन करता है? जी वाइगोत्स्की जी करते हैं। निजी संभाषण का मतलब, किसी से बात करना और आत्मसम्मान। निजी संभाषण का मतलब है किसी से बात करना। निजी संभाषण का मतलब है किसी से बात करना। जल्दी 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 बताइए, जल्दी बताइए। अपने नहीं, आप से बात करना मैम, निजी संभाषण का मतलब स्वयं से बातें करना। मान ठीक है, निजी संभाषण का मतलब स्वयं से बातें करना। लीजिए तो जो हम लोग का आत्मनियमन होता है या निजी संभाषण होता है या आंतरिक संभाषण होता है, इसका जिक्र वाइगोत्स्की जी करते हैं। और प्याजे जी क्या कहते हैं इसको? आत्म केंद्रिता कहते हैं। प्याजे जी क्या कहेंगे इसको? ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, प्याजे जी इसको कहेंगे ईगो सेंट्रिज्म। ठीक है, चलिए।
अधिगम स्टार्ट करें, अधिगम अक्षमता वाले बालक या अधिगम रूप से अक्षम बालक या असाधारण बालक। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिए पीछे वाला चीज, या फिर आप लोग को बोलते हैं ना कि कहीं अगर कुछ डाउट हो तो पूछा कीजिए, तो देखिए पीछे वाला भूलते जाएंगे। ये छोटा छोटा टॉपिक पे हम आपसे क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग नहीं बता पाते हो। प्याजे जी और वाइगोस्की जी तो हम इतना अच्छा से समझाए, एक तरह से हम आप लोग को रटवा रहे थे प्याजे जी और वाइगोस्की, फिर आप लोग आंसर्स नहीं दे पा रही हो तो फिर क्या होगा। अभी तो आगे और भी बहुत टॉपिक है, अभी ये अधिगम अक्षमता पढ़ेंगे, अभी इसमें हम लोग डिस्लेक्सिया ये सब पढ़ेंगे ना, और ये सब माइंड में नहीं रखिएगा। अब पीछे वाला भी भूलते जाइएगा, तो आगे पढ़ रही है पीछे सब भूलते जाइए तो कोई फायदा नहीं फिर पढ़ने का। इसी मंथ में एग्जाम होगा। एक निशांत जी को हम देखते हैं थोड़ा एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे ज्योति थोड़ा एक्टिव रहती है, बाकी आप लोग सब लगता है कि एक कान से घुसाते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं होना नहीं, चाहिए। नहीं, हम लोग पास आउट वाले हैं ना, इसलिए थोड़ा सा घुस जाता है मैम, मीन्स पास आउट वाले हैं तो थोड़ा सा घुस जाता मतलब है। थोड़ा सा पढ़ के आए हैं ना मैम, इसलिए ये सब रिवीजन हम लोग के लिए हो रहा है ना। चलिए, अधिगम अक्षमता वाले बालक या अधिगम रूप से असाधारण बालक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अधिगम निर्योग्यता भी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अधिगम अक्षमता बालकों को अधिगम असमर्थ बालक, अधिगम निष्कृत बालक, अधिगम निर्योग्यता बालक, अधिगम में क्षति युक्त बालक, ठीक है, या फिर अधिगम में अक्षम बालक, या फिर अधिगम में पिछड़े बालक, इतने सारे नामों से इसको जान सकते हैं। बस लेकिन इंग्लिश में एक नाम हो जाएगा लर्निंग डिसएबिलिटी। इंग्लिश में क्या नाम रहेगा? लर्निंग डिसएबिलिटी। लेकिन हिंदी में बहुत सारे नाम रहेंगे, अधिगम रूप से अक्षम बालक, अधिगम रूप से निष्क्रिय बालक, पिछड़े बालक, ठीक है, अधिगम रूप से पिछड़े बालक, ये सारे नामों से हम इसको पुकार सकते हैं। मतलब इनको क्या है, केवल सीखने में प्रॉब्लम है, इनमें किसी प्रकार का आपको विकार नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि लूले हैं, लंगड़े हैं, हाथ से अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, कुछ विकार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, अधिगम से सीखने में इनको क्या कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत होगा, मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है, बस इनको किसी भी चीज को सीखने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। हम लोग आगे जानेंगे, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग अधिगम निर्योग्य बालक के विषय में पढ़ रहे हैं, लर्निंग डिसएबिलिटी। तो अगर हम लोग देखें तो अक्षम बालकों के संबंध में बहुत सारी हम लोग को भ्रांतियां मिलेंगी, ठीक है। पहला माना जाता है कि अधिगम अक्षम बालकों की मानसिक योग्यता से संबंधित रहते हैं। लोगों का मानना है इनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, यानी कि मेंटल डिस्टर्ब है बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बच्चा को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा है, अटक अटक के पढ़ रहा है, क को च पढ़ रहा है, त को प पढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा मेंटली डिस्टर्ब है, ऐसा नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, ठीक है। सामान्य और तीव्र बुद्धि वाले बालक भी कुछ कारणों से अनेक प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाला है, ठीक है, बहुत फास्ट किसी चीज को सीखता है, लेकिन उसके बाद भी उसमें अधिगम अक्षमता देखने को मिल जा रही है, ठीक है। सामान्य बालक है उसमें भी अधिगम अक्षमता देखने को मिल जा रही है, जरूरी नहीं है, किसी में भी अधिगम अक्षमता हो सकती है, हमारे और आप में भी अधिगम अक्षमता हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग का देखिए एडिशन है, आइंस्टाइन है, रूजवेल्ट है, ये सब ऐसे हम व्यक्तियों का नाम ले रहे हैं ना जो अपने समय में अधिगम रूप से अक्षम बालक रहे हैं, ठीक है। एडिशन है, आइंस्टाइन है, देखिए बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम है, रूजवेल्ट है, हॉकिंस जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति अपने विद्यालय अवस्था में अधिगम अक्षमता से ग्रसित पाए जाते थे, ठीक है। और अधिगम अक्षमता एक ऐसी स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक विसंगतियां कही जाती है अक्षमता है, जिसमें बालक के सीखने की क्षमता प्रभावित होती है। मतलब इनको जो है ना सेम दिखने वाले लेटर्स एक जैसे दिखते, टी और बी में कोई अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है, वी और ए में कोई अंतर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इनका शिक्षा क्या होता है, प्रभावित होता है। एक ही पेज में स्कूल लिख रहे हैं, लेकिन स्कूल का स्पेलिंग चार जगह चार चार डिफरेंट डिफरेंट है, इनको समझ भी नहीं आता कि स्कूल का स्पेलिंग होता क्या है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। अधिगम रूप से अक्षम है, किसी प्रकार का मानसिक विकार नहीं है, कुछ नहीं है, अधिगम रूप से अक्षम है। तो ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है, 100 से अधिक होती है। देखिए बुद्धि लब्धि क्या है, हम लोग वहां पे क्या पढ़े, वर्ड के अनुसार 85 से अगर नीचे का है तो वो बच्चा क्या है हम लोग का,
पिछड़ा बालक है, पढ़े थे ना, यहाँ पे बच्चे की बुद्धि बुद्धि लब्धि हमारा 100+ हो रहा है, 100 से ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे बालक जो है बुद्धि लब्धि 100 से अधिक होती है, परंतु वे अपेक्षित शैक्षिक निष्पादन या वांछित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बुद्धि बहुत तेज है, ठीक है, हर चीज को करने में वो सक्षम है, लेकिन फिर भी मतलब उनकी उपलब्धि जो होती है अन्य बच्चों की तुलना जो है सामान्य बच्चों की तुलना कम ही रहेगी। ऐसे बालक भी हमारे क्या है, विशिष्ट बालक के ग्रुप में आ जा रहा है, एक्सेप्शनल चाइल्ड आ जाते हैं, ठीक है। केवल क्या है, अधिगम रूप से अक्षम बालक है, ऐसे बालकों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक कह रहे हैं। आप लोग को नहीं समझ में आएगा आप लोग दोबारा पूछिएगा, लेकिन ऐसे नहीं। देखिए एक हम लोग के मनोवैज्ञानिक है किर, उनके अनुसार क्या बोल रहा है कि अधिगम अक्षमता से तात्पर्य स्वभाव मस्तिष्क दोष तथा संवेगात्मक या व्यवहारात्मक विक्षोभ के फलस्वरूप वाणी भाषा पठन लेखन तथा गणित कौशलों के विकास की प्रक्रिया में से किसी एक या अनेक विसंगतियां, एक या एक नहीं एक से भी ज्यादा विसंगतियां या विलंबित होने से होता है, ठीक है। ये हम लोग का किर्क जी का कहना है। किर्क जी क्या बोल रहे हैं कि अधिगम रूप से अक्षम जो बालक होते हैं वो किस वजह से होते हैं, संभाव्य मस्तिष्क दोष, मतलब किसी चीज को वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ई है कि बी है उसके बीच वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं, ए है कि वी है उसके बीच वो अंतर नहीं पा रहे हैं, तो ये मानसिक दोष उनका हो जा रहा है, मस्तिष्क दोष हो जा रहा है कुछ। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा मेंटल है या मेंटली डिस्चार्ज है, ऐसा नहीं है, उसको जानने में उसको समझने में उसको क्या हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और संवेदात्मक तथा व्यवहारात्मक विक्षोभ के फलस्वरूप भी उनके अंदर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, संवेग की वजह से भी, ठीक है। जो बच्चा बहुत डरा डरा रहता है, बहुत संभा रहता है, बहुत शांत रहता है, उस वजह से भी बच्चे में इस प्रकार के विकार आ जाते हैं, या फिर व्यवहारात्मक विक्षोभ के कारण व्यवहार में उसका कोई फॉल्ट है उसकी वजह से भी बच्चे में इस प्रकार के दोष आ जाते हैं। लेकिन इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 100+ है, ठीक है। तो ये बच्चे जो है वाणी में भाषा में किस किस में हम लोग को अक्षमता देखने को मिलेगी, ये अधिगम अक्षमता जो है उनकी वाणी में, शब्दों को सही से बोल नहीं पाएंगे, उनकी भाषा में, ठीक है। अधिगम अक्षमता अगर हमें देखने को मिलेगी तो बच्चों की वाणी में, बच्चों की भाषा में, पठन में, पढ़ने में, लेखन में, लिखने में, ठीक है। पढ़ने में क्या होता है, एक ही शब्द को पढ़ रहे हैं, बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी को रिपीट, उसका अर्थ भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। लिखने में एक ही जगह स्कूल का स्पेलिंग लिख रहे हैं, एक ही पेज पे चार जगह स्कूल का स्पेलिंग लिखे हैं, लेकिन चारों जगह स्पेलिंग डिफरेंट डिफरेंट है, उसको स्कूल का स्पेलिंग ही नहीं समझ में आ रहा है कि स्कूल का स्पेलिंग एक्चुअल में होता है। ये हम लोग का क्या है, अधिगम अक्षमता है, लेखन रूप में, पठन रूप में, भाषाई रूप में, ठीक है, गणितीय कौशल में, डायग्राम को नहीं समझ पाते हैं। तो ये सारी विसंगतियां हमें अधिगम अक्षम बच्चों में देखने को मिलती है। हम लोग इसी सब में बच्चों में अधिगम अक्षमता देखेंगे, किस किस में, भाषा के क्षेत्र में देखेंगे, लेखन के क्षेत्र में देखेंगे, पठन के क्षेत्र में देखेंगे और गणितीय के क्षेत्र में देखेंगे। इन सारे क्षेत्रों में बच्चों में अधिगम अक्षमता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है अधिगम अक्षम बालक स्वयं में तेज होते हैं, देखा जाए तो इनकी बुद्धि लब्धि क्या है, 100+ है, तो बहुत तेज होते हैं बच्चे, परंतु वे विभिन्न शैक्षिक कौशल जैसे कि पठन हो गया, वाचन हो गया, या फिर हम लोग का गणना संबंधी, गिनती विनती से संबंधित, गणित से संबंधित जो कौशल हो गए हैं को अर्जित करने तथा प्रयुक्त करने में पिछड़ जाते हैं। किसी चीज को पढ़ने में आपको उनको ना खड़े कीजिए क्लास में और बोलेगी बेटा ये इसको रीड करके दिखाओ, वो रीड करेगा एक ही शब्द, क्योंकि वो बच्चा कमजोर नहीं है, वो बच्चा पढ़ने में तेज है, तो वो बच्चा पढ़ रहा है उस चैप्टर को, तो वो खुद भी तो उसको समझ रहा है ना, तो उसको वो लाइन बार बार समझ भी नहीं रहा है, वो बार बार एक ही लाइन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, अधिगम रूप से अक्षम कहलाते हैं। इसका कारण संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के तालमेल में कमी के अलावा कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी जैसे अनुवांशिक हो गया, कुपोषण हो गया, तीव्र ज्वर हो गया, विषाक्त पदार्थों का सेवन हो गया, संक्रमण रोग भी हो सकता है। ये सारे कारण ऐसे बच्चों के अधिगम अक्षमता का कारण बन सकती है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को कल हम अपने दीदी के लड़का के विषय में बताए थे, उसको वाणी विकलांगता है, तुतलाता है, लेकिन तुतलाने के साथ साथ उसको अधिगम अक्षमता भी है, ठीक है। वो सेम लिखने वाले लेटर्स में अंतर नहीं कर पाता है, उसको अधिगम अक्षमता है,
इसका रीजन क्या है, जब वो बहुत छोटा था, 6 मंथ का ही था ना, तो उसको बीमार, वो बीमार पड़ गया था, उसको डायरिया हो गया था, प्लस उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया था। तो कोई बीमारी भी इसका कारण बन सकता है, बीमारी की वजह से भी बच्चे इस तरह के परिस्थिति में जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, किसी चीज को वो समझ ही नहीं पा रहा है, बार बार यहाँ पे डी लिखा है और यहाँ पे बी लिखा है, अब वो उस चीज का समझ ही नहीं बन पा रहा है कि ये डी है कि ये बी है, दोनों में वो कंफ्यूज हो जा रहा है, तो समझ नहीं बन पा रहा है, इसकी वजह से बच्चा जो है अक्षम हो जाता है। ठीक है, या फिर बच्चा जो है शारीरिक या मानसिक बीमार है, बहुत कमजोर है, खाता पीता सही से नहीं है, जो बच्चा बीमार रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, उस बच्चे में अधिगम अक्षमता हो सकती है, किसी कुपोषण का शिकार है, माता के गर्भ में जब बच्चे होते हैं और माता को प्रॉपर डाइट नहीं मिलता है तो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, या फिर जन्म के उपरांत भी अगर बच्चे को सही पोषण नहीं मिल रहा है तो बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका माइंड जो है इफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से बच्चों को इस प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बुखार जो तीव्र ज्वर आया जिसकी वजह से बच्चा जो है अस्वस्थ रहने लगा, उसका ब्रेन उसका क्या हो गया, इफेक्टेड हो गया, विषाक्त पदार्थों का सेवन हो गया, संक्रमण रोग हो गया, इसकी वजह से बच्चा जो है अधिगम रूप से अक्षम हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें वे समस्याएं सम्मिलित नहीं होती हैं जो मुख्यतः दृष्टि, ठीक है, अक्षमता, वाणी अक्षमता, गामक अक्षमता के कारण अथवा मानसिक पिछड़ापन या संवेगात्मक अस्थिरता के कारण होती है, ये सब चीज को इसमें एकदम नहीं रखेंगे, अधिगम अक्षमता से एकदम साइड रखेंगे, वाणी विकलांगता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, दृष्टि विकलांगता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, एकदम शारीरिक विकलांगता से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये सबको बिल्कुल अलग है, एकदम साइड, अधिगम अक्षमता अलग है और ये सारे अक्षमताएं अलग है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर बालकों के समक्ष स्नायु विकी आधारित यानी कि न्यूरोलॉजिकल हम लोग का बेस्ट जो होता है, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो होती है गत समस्या उत्पन्न करती है जो उनके अधिगम अक्षमता को प्रभावित करती है, यानी कि बच्चे को कुछ ना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे को इस प्रकार की अधिकम अक्षमताएं होती हैं, मैथ से संबंधित समस्या आ जाएंगी, डिस्टेंस से संबंधित समस्या आ जाएगी, ऐसे बच्चों को आप लोग सारे जमीन पे मूवी देखे हैं, सलमान खान आमिर खान जब उसके घर जाता है तो उसके भाई से बात करता है तो बोलता है कि जब तुम उसके तरफ बॉल फेंकते हो तो वो बॉल को कैच नहीं कर पाता है, क्यों नहीं कैच कर पाता है, क्योंकि वो सही स्पीड और डिस्टेंस तय नहीं कर पाता है, हम लोग किसी बॉल को अगर दूर से फेंकते हैं तो हम लोग उसको डिस्टेंस है वो किस स्पीड में आ रहा है उसको भाप लेते हैं तब हम लोग उसको कैच कर लेते हैं, लेकिन वो उस चीज को भाप नहीं पाता है जिसकी वजह से वो गेंद को क्या करता है कैच नहीं कर पाता है, तो ये क्या है उसका अधिगम अक्षमता से संबंधित है। ठीक है, उसको शब्दों को पढ़ने नहीं आता है सही से, उसको रीडिंग करने सही से नहीं आता है वो शब्द, क्योंकि वो क्या है कभी क को क समझता है कभी क को च समझता है कभी क को, तो वो सही शब्द से पढ़ नहीं पाता है, ये उसका अधिगम अक्षमता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है अधिगम अक्षमता से सीधा अगर हम लोग मतलब देखें तो क्या है कि वर्ड या लेटर का उल्टा दिखना। ठीक है, अधिगम अक्षमता का मतलब क्या है बच्चों में, जो भी वर्ड है या लेटर है W है, कभी उसको डब्लू डब्लू दिखेगा कभी W उसको M दिखेगा। ठीक है, और सारे शब्द उसके चारों तरफ नाचते रहेंगे, कभी W W दिख रहा है कभी W M दिख रहा है, कभी A A दिख रहा है कभी A V दिख रहा है। ठीक है, कभी V V दिख रहा है कभी V D दिख रहा है, तो क्या है कंफ्यूज हो जा रहा है, अक्सर समान दिखने वाले शब्दों को देखकर वो कंफ्यूज हो जा रहा है, ट्रायंगल बना हुआ है वो ट्रायंगल है या रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है उसमें समझ ही नहीं पा रहा है कि इसको स्क्वायर क्यों कहते हैं, ये स्क्वायर क्यों है, ये हम लोग का रेक्टेंगल क्यों है। ठीक है, उसको उसमें अंतर ही नहीं समझ में आता, वो सबको एक जैसा ही समझता है, कभी वो ट्रायंगल को रेक्टेंगल बोल देगा कभी स्क्वायर को ट्रायंगल बोल देगा, क्योंकि उसका समझ ही नहीं बन पा रहा है कि ये ट्रायंगल है इसमें 3 भुजाएं होती है जिसको ट्रायंगल कहेंगे, स्क्वायर है इसमें सारी भुजाएं एक समान होती है तो ये स्क्वायर है, उसका समझ का निर्माण ही नहीं हो पा रहा है वहां, समझ में आया। तो देखिए जैसे कि M है W है A है B है, ये समान दिखने वाले लेटर हैं, ये कभी उसको सीधा दिखेगा कभी उल्टा दिखेगा, एक ही जगह बच्चा लिख रहा है वर्ड W O R D वर्ड लिख रहा है और वही उसी पेज में बच्चा वर्ड लिख रहा है तो M O R D मॉड लिख दे रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, ये इसका अधिगम अक्षमता है, अधिगम रूप से बच्चा क्या है अक्षम है ग्रस्त है। तो हम लोग क्या देखेंगे जो है ये अक्षमता मौखिक रूप से सीखने में भी हो सकती है, केवल लिखित रूप से नहीं मौखिक रूप से बच्चों को सीखने में भी हो सकती है, जैसे कि पढ़ने संबंधित अक्षमता हो सकती है,
लिखने संबंधित अक्षमता हो सकती है, गणित से संबंधित अक्षमताएं बच्चों में हो सकती है, इन सभी को समग्र रूप से अधिगम अक्षमता का हम लोग नाम दे रहे हैं। पढ़ने संबंधित हो रहा है, लिखने संबंधित हो सकता है, ठीक है, बोलने संबंधित हो सकता है, ये सभी को हम लोग अगर एक नाम दे रहे हैं तो क्या नाम दे रहे हैं, अधिगम अक्षमता। तो बौद्धिक रूप से असाधारण बालकों के अंतर्गत इसको हम लोग नहीं रख सकते, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा मेंटली डिस्चार्ज है या मेंटली डिस्चार्ज है इसके अंतर्गत हम लोग इसको नहीं रख सकते। बच्चा सब चीज से ठीक है, हेल्थ वाइज ठीक है, बच्चा दिमाग काम कर रहा है, लेटर को पढ़ने में सब उसको कंफ्यूज हो रहा है, उसका जिस चीज में इंटरेस्ट है, देखिए ड्राइंग करने में वो कितना, ईशान जो मूवी हम लोग देखे थे कितना सुंदर ड्राइंग किया था, उस फील्ड में उसका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे को हम लोग कभी भी पागल या फिर मेंटली डिस्टर्ब बच्चा नहीं कहेंगे। तो देखिए, तो बौद्धिक अक्षमता जो हो गई वो, और ये हम लोग का अधिगम अक्षमता जो है, दोनों को कभी एक साथ नहीं देखिएगा। बौद्धिक अक्षमता अलग हो गई और अधिगम अक्षमता अलग हो गई। बौद्धिक रूप से असाधारण बालक अलग हो गया और अधिगम रूप से असाधारण बालक अलग हो गया, दोनों को कभी एक नहीं समझना है। हाँ, रीडिंग प्रॉब्लम होगा तो सबसे पहले तो बच्चों को अक्षरों का ज्ञान बताना होगा ना, ये अक्षर है क्या एक्चुअल में, ठीक है। उसको उसका समझ बनाना होगा कि बेटा इसको क कहते हैं, ये च नहीं है, ये क है, उसका समझ बन जाएगा, दोबारा वो गलती नहीं करेगा। उसको ऐसे बच्चों पे थोड़ा फोकस देने की जरूरत होती है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। देखिए सीटेट में कभी भी हम लोग ये गलती नहीं करेंगे, अधिगम अक्षमता और बौद्धिक रूप से अक्षम बालक को एक कभी भी नहीं मानेंगे। और कंफ्यूज करने के लिए सीटेट ऐसा ही क्वेश्चन जब देगा ना, तो ऑप्शन में आपका बौद्धिक रूप से अक्षम भी दे देगा, अधिगम रूप से अक्षम भी दे देगा, जबकि ये दोनों डिफरेंट टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक है। बौद्धिक रूप से अक्षम टॉपिक अलग है और अधिगम रूप से अक्षम टॉपिक अलग है। इसमें बच्चे का मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है, बच्चा मेंटल नहीं होता है अधिगम अक्षमता में, केवल पठन में, लेखन में, गणित से संबंधित कुछ समस्याएं होती है, लेकिन बाकी अदर फील्ड में वो बहुत तेज है, हर काम करने में वो तेज है, इसमें केवल समस्या है, ठीक है। चलिए आज आप लोगों को थोड़ा हम केवल अब ये बता दें कि अधिगम अक्षमता वाले और क्या क्या हैं, इसके बाद छोड़ देंगे, बाकी कल हम लोग करेंगे। देखिए बोल रहा है कि अधिगम अक्षमता कई प्रकार के हो सकते हैं, पढ़ने की अक्षमता अधिगम अक्षमता में आ जाएगी, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता अधिगम अक्षमता में आ जाएगी, लिखने की अक्षमता अधिगम अक्षमता हो जाएगी, और गणित संबंधी समस्या या गणितीय अक्षमता अधिगम अक्षमता हो जाएगा। कितना सारा अक्षमता हो गया, पढ़ने की अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता और गणितीय अक्षमता, इन सबको अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। पढ़ने की अक्षमता को अलग नाम दिया गया है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को अलग नाम दिया गया है, लिखने की क्षमता अलग है, और गणितीय समस्या या गणितीय अक्षमता जो है अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पढ़ने की अक्षमता। तो पढ़ने की अक्षमता, मान लीजिए हमको कुछ कॉपी दे दिया गया, कुछ बुक दे दिया गया, पढ़ने को बोल दिया गया, उसमें बच्चा जो है अक्षम है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस अक्षमता का क्या कारण हो सकता है और उसको किस नाम से जानते हैं। देखिए तो इस प्रकार का जो दोष होता है इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे, पहला इसको अलेक्सिया कहते हैं, दूसरा डिसलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पढ़ने की अक्षमता को अलेक्सिया और डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, अलेक्सिया एंड डिसलेक्सिया। तो इसमें क्या होता है, जिन बच्चों को क्या होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में समस्या होता है, किसी चीज को रीडिंग करने के लिए दे दिया जाए तो वो फ्रेंडली पढ़ नहीं पाते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं या गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम इस बच्चों में आती है। तो बच्चों पर इनका भयंकर असर होता है, वे पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही लाचार हो जाते हैं। जैसे कि ईशान पहले पढ़ पाता था, बिल्कुल नहीं पढ़ पाता था, जब उसके फादर उसको हॉस्टल में मिलने जाते हैं और वो ब्लैक वो एक नोटिस बोर्ड पे शब्दों को मिला मिला कर पढ़ रहा है, तो उसके फादर देखिए रोने लगते हैं। यानी कि बच्चा पहले बिल्कुल भी अच्छा मत था पढ़ने में, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा था। आमिर खान जब उसके घर जाता है और एक खिलौने के डब्बे जिसमें चाइनीज में शब्द लिखे हुए थे, उसके फादर को बोलता है कि पढ़ के दिखाइए, उसके फादर बोलते हैं कि कैसे पढ़ें, आपका दिमाग खराब है,
ये रिटेन वर्ड हम नहीं जानते हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो वहां पे वो बोलता है ना कि यही प्रॉब्लम ईशान के साथ है, उसको भी नहीं समझ में आता है कि ये अक्षर है क्या, जिसकी वजह से वो शब्दों को पढ़ नहीं पाता है। तो इसी को कहते हैं पढ़ने की अक्षमता। बच्चे को शब्द समझ ही भी नहीं आता, उसको शब्द की समझ ही नहीं है, उसको शब्द की पहचान ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है, बस पढ़ने में ही लाचार है। तो इसे कभी कभी शब्द अंधता के नाम से भी जानते हैं, पढ़ने की अक्षमता को शब्द अंधता, यानी कि बच्चे को शब्द के विषय में ज्ञान ही नहीं है, ठीक है। तो इसे सीटेड जो है पठन वैकल्प के नाम से अंकित करता है, सीटेड में इसको पठन वैफल्य के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। सीटेड इसको पठन वैफल्य दे देगा, आपको पढ़ने की अक्षमता दे देगा, अलेक्सिया डिसलेक्सिया के नाम से मेंशन कर सकता है, ठीक है। पठन वैफल्य यानी कि बच्चा पढ़ने में विफल है, अलेक्सिया डिसलेक्सिया यानी कि बच्चा पढ़ने में विफल है, पढ़ने संबंधी समस्या बच्चा को हो रहा है, ठीक है। तो पढ़ने संबंधित अक्षमता को हम लोग दो भागों में बांटे, क्या क्या नाम दिए, अलेक्सिया एंड डिसलेक्सिया, याद बिल्कुल रखिएगा, अलेक्सिया एंड डिसलेक्सिया। अभी हम आप लोग को ये पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दें, इसका अभी भिजवा दें, आप लोग इसको घर में रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। अलेक्सिया एंड डिसलेक्सिया, ये है हम लोग का पठन संबंधी विफलता, ठीक है, इसको पठन वैफल्य भी कहते हैं। तो सीटेट में यदि प्रश्न आए कि पढ़ने लिखने संबंधित अक्षमता को क्या कहते हैं, तो क्या बोलेंगे, अलेक्सिया के नाम से ज्यादा इसको नहीं जाना जाता है, इसको मेनली स्पेशली डिसलेक्सिया। अगर बाई चांस अलेक्सिया भी आ जाए तो याद रखिएगा कि वो भी पठन अक्षमता ही है, लेकिन स्पेशली ज्यादातर अगर सीटेट में देता है तो अलेक्सिया ना दे के डिसलेक्सिया ही देता है, पठन विफलता क्या देगा, डिसलेक्सिया। अलेक्सिया भी याद रखना है, लेकिन है क्या ये, ज्यादातर आएगा किसका, किससे आएगा ऑप्शन, तो डिसलेक्सिया ही ऑप्शन में आएगा। तो पठन संबंधी विफलता यानी कि डिसलेक्सिया, समझ में आया, समझ में आया। अगला है मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता। अब बच्चा जो है पढ़ने में अक्षमता था, अब बच्चा जो है मौखिक रूप से किसी चीज को सीखने में उसको अक्षम है, उसको परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, उसको क्या कहते हैं। देखिए, तो मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता जो होता है उसको भी दो नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अफेजिया एंड डिस्पेजिया। क्या बोलते हैं, अफेजिया एंड डिस्पेजिया, पठन विफलता अलेक्सिया और डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधित अक्षमता मौखिक रूप से, सीखने संबंधित अक्षमता अफेजिया और डिस्पेजिया। हम सौरभ बता रहे हैं, एक जगह ब्लैक बोर्ड पे पढ़न संबंधी लिख मौखिक रूप से लिखने संबंधी ब्लैक बोर्ड पे, चाहे दीवार में कहीं चिपका लीजिएगा और सारा रट जाइएगा, जुबान पे एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, लिखने संबंधी अक्षमता, लिखने संबंधित अक्षमताएं जो होती हैं, पढ़न जैसे हम लोग पठन संबंधी अक्षमता में दो नाम जाने, अलेक्सिया डिसलेक्सिया, जिसमें डिसलेक्सिया का ऑप्शन ज्यादा आता है, डिसलेक्सिया के नाम ही ज्यादा आते हैं। और ये जो हम लोग का मौखिक रूप से सीखने संबंधी अक्षमता है, इसमें डिस्पेजिया का नाम ज्यादा आता है, इसका डिस्पेजिया का नाम, नाम याद रखना दोनों को ही है, अफेजिया डिस्पेजिया दोनों, लेकिन डिस्पेजिया ज्यादातर आता है। लिखने संबंधित अक्षमता, बच्चा को लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो लिखने संबंधित अक्षमता को चार भागों में बांटा गया है। पहला इसको कहते हैं अग्रेफिया, दूसरा कहते हैं अफ्रेक्सिया, अग्रेफिया अफ्रेक्सिया डिसग्राफिया डिसप्रेक्सिया, अग्रेफिया अफ्रेसिया डिसग्राफिया डिस्प्रेक्सिया, ये चार नाम। हाँ, धीरे धीरे बोलिए ना। अभी हम आप लोगों को भिजवा देंगे ये सारा, हम अभी भिजवा दें। जी अग्रेफिया लिखने संबंधित अक्षमता चार भागों में बांटा गया है, पहला है अग्रेफिया, दूसरा अफ्रेक्सिया, ठीक है, पहला अग्रेफिया, दूसरा अफ्रेक्सिया, तीसरा है डिसग्राफिया और चौथा है डिसप्रेक्सिया, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद लास्ट जो है हम लोग का गणित संबंधित समस्या या गणितीय अक्षमता, ठीक है, इसमें बच्चों को गणित से लेकर प्रॉब्लम होता है। तो गणितीय संबंधी अक्षमता या गणितीय समस्या को भी तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में, इसका नाम आप लोग को याद रहेगा। इसमें सब में हम लोग का डिसकैलकुलिया लगा रहे, देखिए पहला होता है वर्बल डिसकैलकुलिया, दूसरा होता है ग्राफिकल डिसकैलकुलिया,
और तीसरा होता है लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। वर्बल डिस्कैल्कुलिया बच्चे को वर्बली बोलने में प्रॉब्लम होता है, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया बच्चों को ग्राफिक से रिलेटेड समस्या आ जाती है उसमें, गणित से संबंधित, डिस्कैल्कुलिया मतलब गणित से संबंधित समस्या, ठीक है। और लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया का मतलब होता है बच्चे को सैम्बल से संबंधित समस्या आ जाती है, जोड़ घटाव गुणा भाग इसमें बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो गणित से संबंधित कितने हो गए, तीन, पहला है वर्बल डिस्कैल्कुलिया, दूसरा है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया और तीसरा है लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया। ये तीन नाम याद रखिएगा, यही थर्ड वाला से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लिखित संबंधित अक्षमता में अग्रेफिया, अपेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्ट्रेक्सिया, ये चारों याद रखना है, ठीक है। पठन संबंधित क्या क्या था, पठन संबंधित फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नहीं, हम बोल रहे पठन संबंधित, अलेक्सिया डिस्लेक्सिया, और पढ़ने संबंधित मौखिक रूप से, मौखिक क्या क्या था, क्या था प्रिया जी, अफेजिया डिस्फेजिया, अफेजिया डिस्फेजिया, चलिए एक एक चीज है इसको ध्यान से सुनिए, बोल रहा है डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया किसमें था हम लोग का, लिखने संबंधित अक्षमता में, लिखने संबंधित अक्षमता में बच्चों को क्या होता है डिस्प्रेक्सिया जैसी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो डिस्प्रेक्सिया एक ऐसी अक्षमता है जो गत्यात्मक कठिनाई में गति और समन्वयता यानी कि कोऑर्डिनेशन के साथ समस्या को संदर्भित करता है। बच्चे जो है गत्यात्मक का मतलब क्या, मसल से रिलेटेड, मूव करने से रिलेटेड, तो बच्चे जो लिखने में, ये लिखने संबंधित है ना, तो बच्चों को लिखना है, क लिखना है, ख लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, कोई वर्ड लिखना है, तो बच्चों का मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे जो है सही से नहीं लिख पाते। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो है गत्यात्मक कठिनाई में गति या समन्वय के साथ समस्या को संदर्भित करता है जिसकी वजह से बालकों को लिखने में तथा कुछ काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, मसल से प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से बच्चा आपको दिखेगा नहीं। ऐसे बच्चे जो होते हैं अधिगम अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, हम लोग अभी तक जितने भी एक्सेप्शनल चाइल्ड पढ़े हैं हम लोग सबकी पहचान क्या देखे, जो मेंटल है, फिजिकल है, दृष्टि विकलांग है, वाणी विकलांग है, हम सबकी पहचान पढ़े कि कैसे पहचान जाएंगे। ऐसे बच्चे को आप देख के बोले नहीं सकते कि इसको किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है।